दंत मंजन, अबे टोनी को पहचानता है क्या? टोनी खबरदार जो उसका नाम लिया तो। ए लंगूर, अबे जा कहाँ रहा है? वो मेंटल है मैन, अपुन उसके बारे में कुछ नहीं बताएगा। अबे रोक। टोनी बहुत अच्छा आदमी है लेकिन तुम्हारे काम का नहीं है। उसको तो हम ढूंढ के ही रहेंगे। वो सटकल खोपड़ी है, कहाँ करेगा किसी को नहीं मालूम। 10,000 टिप समझ के रख लियो। लोग कहते हैं वो पैसों का दीवाना है लेकिन उसे पैसे दो तो मारता है, ना दो तो चूम कर चला जाता है। पैसा? अरे हमरे पैसे चला दिए, पूरे 1 करोड़ डॉलर थे। तुम हमरे 20,000 काहे नहीं दिए? तो इसमें से काहे नहीं ले लिए? हमका जो 20,000 चाहिए वो इसमें नहीं है बुड्ढे, कहाँ है हमरे पैसे? इसकी तो हम ससुरा हर कोई अलग डायलॉग दे रहा है, आखिर ये आइटम का है? वो पहले बार में ही अच्छे अच्छों की हवा निकाल के रख देता है। उसका खून उसी की तरह है, बी नेगेटिव। उसकी नसें नसें नहीं है। हाई वोल्ट बिजली का तार है, सबका दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और उसका 42 बार फौलादी जिगर वाला है वो। उसे आज तक कभी भी हार्ट अटैक नहीं आया लेकिन उसे देखने वाले को जरूर आता है। उसकी बॉडी का सबसे डेंजरस पार्ट उसकी आँखें। जब वो किसी को देखता है तो पता ही नहीं चलता है कि प्यार या गुस्सा है। देखो भैया, साफ साफ कहे तो ऑर्डिनरी दिखने वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है। बोलती पे ताला लग गया ना ख्यालों में। लेकिन आप टेंशन ना ही लो, टोनी दिल का बहुत अच्छा है, बेवजह चीटी को भी नहीं मारता है। मम्मी बचाओ। शुक्र है बच गई। बॉडी बनाओ, गुंडों को मारो। नहीं नहीं, हम का मत मारो, तुम तो चीटी को भी नहीं मारते और हम तो इंसान हैं। सिर्फ चीटी को नहीं मारते और ये चीटी नहीं था। ये जो जी में आया करता है, किसी के बाप की नहीं सुनता। सुनता है ना, बस अपने बाप की। हे नालायक, तू आलसी काम चोर कहीं का, मार खा के कचरे में पड़ा है। पैसा लेते वक्त कहा था ना काम हो जाएगा, अब उठ उठ, मेरी इज्जत का कचरा कर रहा है तू, अपनी बाप की इमेज का तो ख्याल कर। चल उठ, मार उन्हें, मार उन्हें। अबे उठ ना कुंभकर्ण की औलाद। टोनी, डैडी खुद ऊपर चैन से सो रहे और हम का उठा रहे हो। अरे ओए रुको, अगर हम तुम लोग को छोड़ दिए तो हमारा बाप हमको सोने नहीं देगा। रुको, मार खा के जाओ। उसका मरा हुआ बाप उसको दिखाई देता है का? उससे बातें भी करता है। ऐसा केमिकल लोचा आज तक हमारे दिमाग में नहीं हुआ, आखिर वो चीज का है बे? किसी और के बारे में अगर पूछते तो शायद हम समझा सकते थे, लेकिन उसके बारे में जितना बताएंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस बस्ती के हर एक इंसान की उसके बारे में अलग अलग राय है। वो रूल्स फॉलो करने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए बनाता है। ए, बहुत सुन लिया बे, हमको उसका एड्रेस पता, हम उससे रूबरू मिलेंगे बस। अब हम का कहे, हमें भी 1 साल से वो दिखाई नहीं दिया, पर वो कहीं हीरोबाजी जरूर कर रहा होगा। समझ समझ के ना समझी को समझा जा सकता है, लेकिन कोई समझदार भी अपनी समझ से उसे नहीं समझ सकता। क्या 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 क्या, क्या? ठीक से समझा। आपको समझा के हम कंफ्यूज हो गए। नहीं नहीं, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपने काम को अंजाम देने खातिर वो हर वक्त अपना रंग बदलता रहता है। अच्छा? उसके माता पिता ने तो उसका नाम रखा था टोनी, लेकिन उसकी हरकतों से होना चाहिए था गिरगिट। ए, सीन खत्म। काहे सर, कैरेक्टर में दम नहीं था? अरे है ना, पर हमारे बजट में नहीं। का है ना, भाई को चाहिए कुछ छोटा मोटा टटपुंजिया। हम भाई से कह देंगे किसी और को ढूंढ ले। ए, चलो रे, भाई से कह देते हैं। का टोनी, तू है कहाँ? गुप्त सूत्रों से पता चला है कि दहशतगर्दों का पता चलते ही सुरक्षा बलों ने कई आतंकवादी ठिकानों पर हमला बोल दिया है, जिसमें से कई प्रमुख आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से एक आतंकवादी यासिर मोहम्मद को इन आतंकवादी संगठनों का सरगना बताया जा रहा है। उसी की रिहाई के लिए आतंकवादियों ने कुछ टूरिस्ट को अगवा कर लिया है। साथ ही में ये धमकी दी है कि अगर यासिर मोहम्मद को रिहा नहीं किया गया तो वो एक एक करके टूरिस्ट को मारते चले जाएंगे। चलो, चले, चले। 4 आदमी लेकर आओ। Why are you doing this?
मेजर, जल्दी फैसला कर और हमारे भाई को रिहा कर। अगर नहीं किया तो हर दो घंटे में एक एक आदमी की लाश भेजेंगे। कौन है बे? हमें मरना नहीं है, हमें बचा लो। ओह, इट्ठो अकेली लड़की है। तुम कौन हो? हम ही फिल्म के हीरो हैं। अच्छा, वो लोग हमें भी मार डालेंगे का? हाँ, दो घंटा में। हाँ। चलो अच्छा है, मरने से पहले दिल खोलकर बात करने के लिए एक अकेला लड़का तो मिला। कहाँ की रहने वाली हो? दिल्ली से है। और आप? मुंबई का। मरना तो यही है। हाँ? कहाँ की हो उससे क्या फर्क पड़ता है। हम यहाँ मरने नहीं आए, घूमने आए हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी तो किस्मत ही खराब है। जम्मू में एक सहेली की शादी के लिए आए थे, चित्रा को बहुत मना किए, फिर भी वो हमें कश्मीर ले आई। वो तो होटल में आराम से सो रही होगी और हम वादियां देखने के चक्कर में यहाँ पर फंस गए हैं। अब क्या होगा? कश्मीर में ना बर्फ के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं है। हम कितनी देर में मरने वाले हैं? बोले थे ना दो घंटा, एक घंटा तो तोरी बकबक में निकल गया। एक घंटे के बाद हम सच में मर जाएंगे का? लाइफ इतनी जल्दी खत्म कैसे हो सकती है? आपको टेंशन नहीं हो रहा है का? मरने वरने का दुख नहीं हो रहा है? अरे चुप काहे बैठे हो, कुछ तो बोलो। अच्छा छोड़ो, तुम्हारी उम्र कितनी है? 25 साल। 25 साल मतलब जिंदगी में सब देखे हैं आप। हम तो छोटे बेबी हैं, कुछ नहीं देखे। बाप रे, हमसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। कितना सारे सपने देखे थे कि बड़ी फैशन डिजाइनर बनेंगे, खुद ही कटरीना का ड्रेस सिएंगे, पेट भर के पानी पूरी खाएंगे, चित्रा को गोवा घुमाएंगे, पर सारे सपने पूरे होने से पहले ही मर रहे हैं। अरे हमें कब से बोले जा रहे? अभी तो अपने बारे में दो चार बातें बोलिए ना। क्या बोली? अरे थोड़ा तो बतियाइए वरना हम बोर हो जाएंगे। हमारी तरफ मुड़िए ना, अपने सपने के बारे में बताइए। काहे घूमे बिना सपने नहीं सुन सकती का? अरे नहीं, आपका चेहरे पे आपका सपना दिखेगा ना, मरने से पहले आपका सपना शेयर कीजिए ना। अब क्या बताएं, दिल में तो बहुत कुछ है पर ऊपर वाला कभी मौका ही नहीं दिया। लाइफ में गर्लफ्रेंड हो, थोड़ा रोमांस, हमारा पहला किस। अरे किस नहीं किए तो का किए, अब का मरो बिना किस के। जुदा 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 मुझसे ना हो ना, तू है मेरी जिंदगी। हो खुदा खफा चाहे नहीं हो ना, खफा मुझसे तू ही आरज़ू। मरने से पहले हमारे सपने तो पूरे नहीं हो पाएंगे, कम से कम तुम्हारे सपने पूरे कर सकते हैं। मरते दम तक हमें अपनी गर्लफ्रेंड समझो। दस करोड़ और 6 महीने की प्लानिंग के बाद आज हाथ आया है तू। दर्द हो रहा है ना? काफी दिनों से हम भी दर्द में तड़प रहे थे। ससुरा तुम्हारे बगैर कोई धंधा नहीं कर सकता। इंडिया में आर्म्स हो, ड्रग्स हो, एक्सटॉर्शन हो, कोई भी काला धंधा हो, कोनो दूसरा एंट्री करता है तो उसे मार देते हो। तुझे टपकाने के बाद तेरे अज्जू भाई को भी मार देंगे हम। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा होना नामुमकिन है। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। चलो जल्दी फोन उठा और तुम्हारा आखिरी फोन है, बोल। हेलो, तुम्हारा काम हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो हम खुद आके खत्म कर देंगे। ओके, तुम्हारा काम खलास, चलो पैसे निकालो। पर पैसे तो दे ही दिए हैं। ज्यादा शानपति नहीं, पैसे निकाल। हमने भिजवा दिए हैं भाई। देखो हमारे साथ होशियारी नहीं चलेगी। अबे तू भागने वाला है, कब्र में पैसे लेके जाएगा? अरे ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। हमने तुमसे पहले कहा था, आज के बाद तुम्हारे साथ धंधा करना ही नहीं है। समझ नहीं रहे हैं ए मिनिस्टर? डराएंगे तो कौन करेगा बिजनेस आपके साथ? चुप चुप चुप। ए मिनिस्टर, अभी पैसे चाहिए, इसको जिंदा मार देंगे। यही हम पैसे तो मार दोगे जान से। बूम,
इसका गेम तो फिनिश समझा। जानते हैं उसको दिया हुआ टाइम खत्म हो गया है, चलो अब चलते हैं। किससे मिलना है बे? शिवा गैंग वाले आप ही है ना? तुमको कोनो शक है का? अरे मार खा रहा है, बता तो सही। अरे पादनी सा। अब हमारी बेटी, तुम तो गए बेटा। भाई कुछ करो वरना ये हम सबका आउट कर देगा। अब लोहा से मारोगे का? नहीं भैया मत मारो, रुक जाओ। छोटा भाई समझ के माफ कर दो हमको, 2 महीने बाद शादी है हमारी। अरे हम रोमांस कैसे करेंगे? मारने की वजह तो बता दो हमको। डर के मारे। पर क्यों? कल आप हनुमान नगर में आए रहे ना? हाँ। शिवा गैंग तुमको बकरी गैंग लगता है का? कल पैसे लेकर गोडाउन में आ जाना, पूरा 50,000 लाना, नहीं तो हमारा गैंग तुम्हारा बैंड बजा देगा। वो तुमको हमारी सुपारी दिया? नहीं नहीं, हम 5 सुपारी कुछ नहीं लेते। तो हमको काहे कत्थे की तरह रगड़ दिए? ठीक से याद कीजिए, आप जाते जाते वार्निंग दिए थे। कल अगर तू 12 बजे तक पैसे नहीं लाया ना, तो हम सिर्फ तुमको ही नहीं बल्कि पूरे हनुमान नगर के लोगों को इस शहर के मैप से गायब कर देंगे। हम कल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने हनुमान नगर आए थे भाई, अगर वो आदमी आपको पैसा ना देता तो आप बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते और फिर वार्निंग के मुताबिक आप हनुमान नगर के साथ हमें और हमारी गर्लफ्रेंड को भी गायब कर देते। तो हम सोचे कि उससे पहले हम ही आपको ढूंढ के आपको गायब कर देते, इसीलिए रात भर जाग कर हम यहाँ आकर आपको टपकाने की प्लानिंग कर रहे थे। वार्निंग तो हम सिर्फ उसे डराने के खातिर दे रहे थे भैया जी। देखिए भाई, आप चाहे किसी को भी डराइए, लेकिन हम जैसे हीरो को कभी मत डराइएगा। तो कहा है हम डर से डरते हैं, इसीलिए लोगों को पीटते हैं। जय राम जी की। हाँ जाओ जाओ। अब कहाँ होगा भैया? तनिक सुनिए, सॉरी बोलना था। इट्स ओके, ले लिया सॉरी, जाओ ना। तुझे डर लगता है तो तू क्या करता है? तो छुप जाते हैं। और तू? हम पैंट आगे से गीली पीछे से पीली करते हैं। पर जब ई डरता है तो दूसरों को काहे डराता है? ई कौन सा स्टाइल है उसका? उसे बुला के पूछेगा। अरे वो डपोरी तुमको मार के गया? चलो ससुराल, वो तुमके खिलाफ कंप्लेंट किया है। काहे सर? तुम लोगों को मार के डर गया कि तुम कंप्लेंट न कर दो, इसीलिए खुद ही कंप्लेंट कर दी। डर लगने पर सबको मारता है और डर लगने पर सबकी कंप्लेन भी करता है, ये कैसा डरपोक है? उसी को बुला के पूछे का? निहारिका, निहारिका, तुझे अकल है कि नहीं? वो टेलर तुरे सामने आंसू का बहाया, तूने तो किराए के सारे पैसे दे दिए, अब हम मकान मालिक को कहाँ देंगे? अरे मैनेज कर लेंगे ना चित्रा। आजकल तो समाज सेवा कुछ ज्यादा नहीं कर रही। और तो और, एक आदमी के मरने से पहले उसे किस करके उसकी तमन्ना पूरी कर दी। अरे उस वक्त हमें वही सही लगा तो कर दिए। चाय पी ले, जब वो लड़का तुम्हारे पीछे पड़ेगा ना तब समझ में आएगा तुझे। तभी तो हम उसे बिना बताए चले आए। यू कैन रन एंड हाइड बट यू कांट एस्केप हिज लव। अरे पता है ऐसे एक गाना तो हम म्यूजिक चैनल पर सुने। ओ, सुना होगा। फ्लाइट का टाइम हो रहा है, पकड़ पकड़ हम चलते। अच्छा टेक केयर, बाय, जल्दी आना। तुम कब दोगी? ड्रेस मिल जाएगी, हमें इसी वक्त चाहिए। पर ये वक्त तुम्हारी ड्रेस रेडी नहीं। आज फैंसी ड्रेस में हम वही ड्रेस पहनेंगे। पहले हम जो ड्रेस बनाए थे उसकी फीस माफ कर दी है, इसलिए किराया ना ही लो। दिल की घंटी जोरों से बज रही है। दिल की नहीं, दरवाजे की है। आते हैं, पहले जाओ तो। चित्रा, राइट? अपना इंट्रोडक्शन दो। हमको नहीं पहचाना? ओहो, तुम्हारी फ्रेंड ने नहीं बताया, वो और हम कश्मीर में। ओह, तो वो चिपकू यही है, उसने तुमको बताया नहीं कि वो अमेरिका जा रही है?
दो घंटे में फ्लाइट है। काका? हाँ। शे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको कश्मीर से ढूंढते यहाँ है तो तुम अमेरिका भाग रही हो? भाई तो छोड़ो, अपना नाम तक नहीं बताया, कहाँ कहाँ ढूंढे तुमका? चिपको कहीं पहले का? हमका बता देती तो हम भी पासपोर्ट वीजा बनवा लेते। हम तुमको कहीं नहीं जाने देंगे, हमसे बात करो। अरे हमें सुनो। हम कुछ नहीं सुनेंगे, पहले तुम सुनो। अरे रुक तो जाओ। रुकेंगे? अरे हम अमेरिका नहीं जा रहे। का? राकेश हमारा बॉयफ्रेंड। राकेश हम बताए थे ना कश्मीर में, यही हमें बचाया। ओह हेलो, आपने इनकी जान बचाकर हमारी जान बचाई है, थैंक यू। छोड़ दो। ओह हमरा हाथ नहीं, ये लड़की का साथ छोड़ दो। दिमाग खराब हो गया, पगला गए हो क्या? एकदम करेक्ट, पगला गए हैं। इके प्यार में पगला गए हैं राकेश, सच्ची सोते जागते सिर्फ यही नजर आती है हमका। इका ही तो प्यार कहते हैं ना, इका नशा ऐसा चढ़ा है कि कोई और नशा चढ़ता ही नहीं। देखो भैया तुम तो वैसे ही अमेरिका जा रहे हो, वहाँ कोनो गोरी अंग्रेज मेम को पटा लेना, पर ई गोरी हमरे लिए छोड़ दो प्लीज। अरे हमने तो हाथ भी मिलाए हुए, अब सिर्फ प्रॉमिस करना है। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। ये सब क्या हो रहा है, पागल है कहूँ? तुम फिकर मत करो, हम देख लेंगे उसे। सर फ्लाइट का टाइम हो गया। राकेश टाइम हुई गवा, पहुंचते ही खत लिखना। राकेश इधर आओ। निहारिका he looks too dangerous, हम यही रुकते हैं। एक लड़की की वजह से अपना टूर कैंसिल करोगे? तुम जब तक आओगे ना तब तक निपटा देंगे इसे। जाओ, मिनिस्टर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, देर मत करो। ओके, लेकिन तुम ही लड़के से दूर रहना। ठीक है, दूर रहेंगे। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। Have a nice flight. Thank you. Have a nice flight. वापस नहीं आना। टिकट प्लीज। तुम अब तक यही हो? हमें पता था तुम बिल्कुल चिपकू टाइप्स हो, इसीलिए बिना बताए चले आए। और हमने बॉयफ्रेंड के पीछे काहे पड़े हो? और हम उससे शादी करने वाले हैं, जानते हो तुम? हमका काहे डांट रही हो? तुमने तो वादा किया था कि मरते दम तक हमारी गर्लफ्रेंड बनोगी। अगर कश्मीर में मर जाते तो ऐसा हो सकता था, पर नहीं मरे ना। अब राकेश के आने के बाद हम शादी करके हनीमून पर जाने वाले हैं। आई एम इन लव विद राकेश। यही बात तो हमारी समझ में नहीं आती, तुम प्यार तो राकेश से करती हो पर उस दिन कश्मीर में तुमने हमका किस किया था? का किस था? तुमसे अच्छी लड़की हमका मिल ही नहीं सकती। मिल सकती है का बताओ? देखो हम तुमसे बात कर रहे हैं क्योंकि तुम हमारी जान बचाए थे, वरना तुम जैसे लड़कों की तो हम शक्ल भी नहीं देखते। जीने का दूसरा मौका मिला है तो अपने लिए दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढो ना, काहे पीछे पड़े हो? हम भी तो इसी दूसरे मौके का फायदा उठा रहे हैं। वैसे भी राकेश यहाँ नहीं है, हम तुमका 15 दिन में पटा ले तो हम पट जाएंगे का? देखो हम तुमका परेशान नहीं करेंगे, बस एक बार ट्राई करने दो। ट्राई करके क्या होगा? देखो प्लीज 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 मना मत करना, राकेश के लौटने तक तो ट्राई करने दो ना। ला कोशिश कर लो, हम नहीं पटने वाले। देखो अगर तुम हमसे नहीं पटी ना तो हम मुंबई चले जाएंगे, लेकिन हमका एक ट्राई तो करने दो ना, प्लीज प्लीज मान जाओ। ठीक है कर लो ट्राई। सुनो अपन नाम तो बताओ। निहारिका। सारिका? सारिका ना ही, निहारिका हमारी प्रेमिका। वाह टोनी निहारिका मुंह बना रही है। सुनो दिन में 2-4 बार बोलो आदत हो जाएगी। ए, भाई नमस्ते। 5,000 के लिए हमारे आदमी को अपने पीछे दौड़ाता है, जेब ढीली कर वरना हाथ डाल देंगे। जेब फटी हुई है। झूठ बोलता है घुसेड़े का। यहाँ फिल्म चल रहा है का? अगर कोई अपना मुंह खोला तो सिर्फ इसी को नहीं सबको टपका डालेंगे। कौन भोगा बे? कौन भोगा? तू यहाँ? भैया जी हमको माफ कर दो। भैया जी डरो मत, भैया जी आपको डरता हुआ देखकर हम लोग भी डर जाते हैं। अच्छा क्यूटू भैया आप तो हनुमान नगर के हैं ना, तो यहाँ कैसे दर्शन दे दिए? हमका लगा आप हमका ढूंढने वहाँ जाएंगे तो हम यहाँ आ गए, पर आपके हाथ में ही चाकू काहे है? आप इससे हमका मारेंगे ना? अरे नहीं नहीं ये तो नकली है, खिलौना है। डेचू भाई वो नीचे क्यों देख रहा है? अरे ये तो वही बैग है, यानी फिर बैटिंग करेगा। भाई हमें इसके डर को भगाना ही होगा। अपने डर को भगाने के लिए सबसे पहले उसके डर को भगाना होगा, हो जाएगा। अब तू मत कर फिकर, इसे पी ले और भाग जाएगा तेरा डर। पी की आदत नहीं है। ठीक है हम इसे पी लेते हैं, हम ही अपना डर भगा लेते हैं।
तुम तो कहे आदत नहीं। पिताजी को नहीं है, हमका तो है। तुम्हारे पिताजी को सिगरेट की आदत है? हमका है ना भाई। भैया ये जो आपके पिताजी हैं, ये बखत कहाँ होंगे? यहीं बैठे हैं। कहाँ है वो? ये रहे, यहीं तो बैठे हैं। यहाँ तुझे दिख रहे हैं? भाई टोपी पहना रहा है, ये आते से चढ़ गई है। ये कहाँ पिताजी, किसी को हमारी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा। ये ग्लास उठा कर यहाँ रखिए। थैंक यू। हम तो डर भगाने के लिए यहाँ बैठे थे, आप तो और डरा रहे हैं। नहीं भाई, आप बोले पिताजी दिखाओ तो हम। हाँ ठीक है, सीधी बात, आपस में नो बकवास, बताओ तुम्हें किस चीज से डर लग रहा है? हम तो आपसे ही डरते हैं। अरे रट्टू तोता, हमरे अलावा और किससे? हाँ, हमका डर है हमारी लव स्टोरी अधूरी ना रह जाए। लव स्टोरी का चक्कर? हाँ भाई, हमारी लव स्टोरी बहुत कंफ्यूजिंग है। हम जिस लड़की से प्यार करते हैं वो किसी और से प्यार करती है। इसमें कहना ही बात है भाई, आजकल तो लड़कियाँ कपड़ों से ज्यादा बॉयफ्रेंड बदलती हैं। चुप रहो सुनील, भैया आप अपनी कहानी जारी रखिए। वो लड़की को अपना बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ 10 दिन का टाइम है। अच्छा, अगर उतना टाइम में उका नहीं पटाया तो वो बॉयफ्रेंड के साथ पटाया चली जाएगी। समझ गया समझ गया, लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग ही तुम्हारे डर को भगाएगा, है ना? मतलब हम चैन से सो पाएंगे ना? हाँ। बेकुमकरण भाई, आप चालू रखो, हम सब आपकी लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग करेंगे। अच्छा, तो एक काम कीजिए, बोलो ना, लड़की को अगले 1 घंटा में रस्ते पर ले आइए। ये कैसा प्यार करते हो भाई? शाहजहां ने तो अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनवाया था, और एक आप होके अपने प्यार को रास्ते पे लाना चाहते हो। आपकी दुकान, चुप कर, आप बोलिए ना भैया। उसका पता ना चले हम करवा रहे हैं, और ये भी कि आप कर रहे हैं। ना डराना है ना धमकाना है, कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाना है, लेकिन 1 घंटे में उसका रास्ते पर लाना है। कैसे करेंगे? सत्या कैसा है जिंदा लाश? तुम्हारे बंगले का कोना कोना तो ढिंचाक चमक रहा है। तुम्हारे बालों में आग लगी है? आग तो बहुत जगह लगी है। वैसे जो तुम्हारी किराएदार है उसको जल्दी से 9-11 कर दो, काम भी हो जाएगा और तू जलेगा भी नहीं हमारी आग से। हम ऊपर वाले के इशारे पे काम करते हैं, क्योंकि हम में उसी की शक्ति है। ज्यादा यूं टोटल लॉस। अरे ये क्या किए हैं आप? हम तो सिर्फ स्पर्श किए थे। आपका स्पर्श है ही घातक। राजू बेटा, सत्या सत्या, आप कौन स्पर्श कराने आया है? सत्या कहाँ है? शव आसन में है। दो भाई और कितने जाएंगे? किसे कहा हो गया? हम तो बस नैन लड़ाए थे, नैन लड़ा के चैन उड़ा देते हैं। चैन तो हमारा उड़ गया है। शोले की आग। राजू 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 राजू, तुमसे नीचे का कमरा खाली करने को कहे, तुम तो मर्डर कर दिए। दोस्त मर गया, हमारा सुहाग गुजर गया, हम जा रहे हैं। शॉर्टकट काहे मारा? हाथों में हाथ। अच्छी दोनों पर गई का? दो पुरुषों में ऐसा मिलन हम पहली बार देख रहे हैं। बाप रे, टू मोर और कमिंग, अब हम और खून नहीं कर सकते। मैडम तनिक टीवी तो ऑन कीजिए, उसमें हम भूतों का सीरियल आ रहा है। ये कहानी लंबी किए बिना तुम ये मकान खाली कर दो। पर फंदा कहीं डाले? फंदा छोड़ो और धंधे की बात करो, नहीं तो तुम्हारी वजह से ऊपर पहुंच जाएंगे। कैसे खाली कर दें बताओ? मुझे कहां है? यही है कि आज हमसे बहुत हत्याएं हो चुकी हैं। हाँ, 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 तो तुम भी ऊपर पहुंच जाओगे। रोना स्टॉपिंग, तुम तो पुण्य का काम किए हो, इनकी आत्मा अब जाके डायरेक्ट परमात्मा से मिलेगी, इसलिए अब इन्हें ले जाओ। भाई ये आंटी का करेंगे, घर में काम वाली बाई चाहिए थी ना। ओ हम बच गए। ए, तुम तो मरी, अब कैसे खड़े होइंग? ओ आई एम सॉरी, अब तो ठीक है ना? यस ओनली लेडी। वो पागल हो गया है, सीधा मोक्ष धाम ले लो। बीवी के जाते ये घर स्वर्ग हो गया। ऐसे अचानक हमें रास्ते पर ले आएंगे, हम सोचे नहीं थे। भैया हम आपके कहने के मुताबिक आपके लवर को सड़क पर ले आए हैं। अब जाकर उनके लिए घर ढूंढना है। अरे तुम्हें से रात को सामान के साथ? मकान मालिक घर से निकाल दिया। ओहो तो अब क्या करें? राकेश को फोन कर। हाँ करो करो। अरे पर वो तो यहाँ नहीं है। एक आइडिया दे, आज सुबह ही पड़ोस में हमें घर देखे थे, चाहो तो दिखा सकते हैं, किराया भी बहुत कम है। नहीं एक बार फिर सोच लो, ये वक्त यहाँ अच्छे लोग नहीं घूमते। दिखा रहा है तो देखने में क्या हर्ज है, हमारे ब्रोकरेज के पैसे बच जाएंगे। सामान कूली बड़े अच्छे लगते हैं भाई, लेकिन बक्से नहीं। लागत है यहाँ बिजली गुल है, संभल कर जाना। ये सामान ठीक से लाओ। ठीक है भैया।
इतने छोटे रूम का किराया 7,500। किराया हम दे देंगे, तुम्हारे साथ रह ले। कोई जरूरत नहीं, रात हो गई है, अब जाओ। तो कर रात को डर लगता है ना, तो इससे बोलो हम कहाँ यहाँ रहने दे। ये घर किसका है भैया? हमरा है। का बात है भैया, हम दिल वाले दुल्हनिया घर ले आए। अब आप कहाँ रहेंगे? हाँ उसकी बहुत फिकर हो रही थी इसको। अब देखो उस ससुरा हमरे घर में सो रहा है और खुले में भीग रहे हैं हम लोग। अपना लग ही खराब है भाई। हमरे बालों का कलर उतर रहा है, हम नहीं छोड़ूंगा। हम यहाँ पर गीले हो रहे और तू अंदर सूखा सो रहा है। बाहर निकल वरना मर्डर कर देंगे। भाई बाहर कोनो जोर से चिल्ला रहा है, हमका डर लग रहा है। अंधेरे में लगता है डर और करने चला था मर्डर। निहारिका बाहर आओ। क्या हुआ? ये घर तो इतना बड़ा है कि हम फुटबॉल भी खेल सकते हैं। सफेदी की चमकार, वाह, क्या व्यू है। निहारिका, ए निहारिका, आई। तुझे सरप्राइज देने खातिर वो हमें अंधेरे में लाया, ये सब उसकी चाल है। हमारी फोटो यहाँ कैसे? तुझे पटाने के लिए ही तोरी फोटो लगाई है। हम अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, तू मांगे हुए कपड़ों में तो हमेशा ही अच्छी लगती है। हम बोल रहे हैं कि ये उसी का घर है। उसके घर की नेम प्लेट पे तेरा नाम? कुछ भी कहो, हमें तो घर बहुत अच्छा लगा, हम यहीं रहेंगे। अरे बेवकूफ, ये सब तुमको पटाने के लिए कर रहा है। चल चल के दूसरा घर ढूंढते हैं। 7,500 में इतना बड़ा घर कहाँ मिलेगा? छोटे घर में रहने से अच्छा यही रहते हैं ना। ले आ गया दीदार करने। हम भी तो कर रहे हैं। भैया सीधा जाके आई लव यू कह डालो। साइलेंस। ऑल द बेस्ट। अरे बोले ना साइलेंस। पाप है टोनी, शादी से पहले ये सब नहीं करते। अरे बाप रे, ये तो यहाँ है, तो फिर ये कौन है? हमें कुछ एक मिनट, हमें किसी ने याद किया। सॉरी, देखो चित्रा, आई एम रियली सॉरी, हम तुमको ठीक से नहीं देखे। ठीक से नहीं देखे पर देखे तो सही ना। अरे निहा बात को समझो, हमका लगा ही तुम हो। का? अरे बाप रे, हमरा ऐसा कौनो इरादा नहीं था, हम तुमका बुरी नजर से नहीं देखे। तुमका बदला लेना हो तो हमका देख लो। वो डालूंगी, बस करो। ना हमें कुछ देखना है ना कुछ सुनना है, जस्ट गेट लॉस्ट। उस पर मरून दुपट्टा अच्छा लगेगा। हाँ हाँ। और फिर ना उस पर लटकन लगाएंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ, ये ठीक। Stop it! बस करो, stop it! Tony, enough is enough. इन
जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। सॉरी सिस्टर, सॉरी। इट्स ओके। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वो मर जाता तो? वो जो किया वो की यही सजा है। वो जो किया वो की सजा देने वाले तुम कौन हो? आखिर तुम एक इंसान को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकते हो? जो तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा उसका हम यही हाल करेंगे। का कहा तुमने? ये का कह रहे हो? अच्छा, ओ, हम तुमसे हंसकर दो बातें का कर लिए, तुम उका प्यार समझ बैठे। तुम हमारी जान बचाए इसलिए सोचे कि तुम्हें एक मौका दे देते हैं, इसीलिए तुम्हें इतने दिन से बर्दाश्त करते रहे। अब बहुत हो गया, अब सुन लो हमारी बात। 15 दिन तो का, 15 साल भी हमारे पीछे पड़े रहोगे ना, तभी हमारा दिल ना जीत पाओगे। आई लव राकेश। अब प्लीज इसी वक्त हमें अपने दिल से निकाल दो और हमारा पीछा छोड़ो। तुम प्यार के लायक ही नहीं हो, हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। चले जाओ। सॉरी चित्रा, हम जानबूझ के नहीं किए, गिरते वक्त कुछ पकड़ने को नहीं था तो हम इनका हाथ पकड़ लिए। दांत, हम भी कैसे अनाड़ी है, कहां इनके प्यार के लायक है, ना बात करने की तमीज है ना प्यार करने की। बस चले मुरारी लड़की पटाने, ऐसे थोड़ी ना होवत है, लड़की किस्मत में लिखी होती है, हमका तो कुआरा ही रहना पड़ेगा। निहारिका, तुम और हम बिल्कुल अलग है, इसीलिए तुमको पटाने का आइडिया कैंसिल। अरे चित्रा चला, अब से हम तुमका सपने में भी प्यार नहीं करेंगे। यकीन नहीं होते? तुमरे प्यार को दिल से निकाल दिया। सच कह रहे हो? अभी विश्वास नहीं, एक के सर की कसम, 100% प्यार कैंसिल। अरे क्या बात है, सॉरी सॉरी, कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए। इतने दिन तुम हमें कितना पकाए टोनी, पर आज हमें समझने के लिए हम तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देते हैं। प्यार तो अब नहीं हो सकता, दोस्ती हो सकती है। दोस्ती करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है टोनी, आज से जो हमरा है वो तुमरा। वैसे भी तुम जैसा फ्रेंड तो किस्मत वालों को ही मिलता है। नहीं, ऐसा मत करना। तो फ्रेंड्स, कम ऑन टोनी। लेकिन एक शर्त है। प्यार ठुकरा दिया हम बर्दाश्त कर लिए, पर दोस्ती की है तो जिंदगी भर निभानी पड़ेगी। ओके, अरे निभाएंगे ना, अब हम फ्रेंड्स हैं। हम दोनों नहीं, हम तीनों, थ्री इडियट्स, ऑल इज वेल। है, फ्रेंड बना लिया? ई का कह रहे हो, तुम कहे थे उसके बगैर जी नहीं सकते हो? हम अभी यही कहेंगे भाई, फ्रेंड के बगैर नहीं जी सकते। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। कौनो महापुरुष कहा था आज, मतलब समझे, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है पर मर मिटने खातिर थोड़ी। अरे दिमाग का लिट्टी चोखा हो रहा है, कंफ्यूज ही आ गए हम। ठीक है, इस बात को हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ई आपकी फ्रेंड और ई आपकी लवर, अब दोनों में से एक को चुनो। लवली फ्रेंड, ये तो कुछ नया भाई, इतनी महान विचारधारा। ठीक है, आपने फैसला कर लिया है ना, तो फिर पार्टी करते हैं। हमारा प्यार अधूरा रह गया और तुमका पार्टी की पड़ी। किसी को बताना मत, हम इतना रोए थे, हम अपना डर भगाने के लिए इसका डर भगा रहे थे, लेकिन अब हमको इससे पीछा छुड़ाने का बस दो ही रास्ता दिख रहा है, बताए। एक तो हम इससे कोसों दूर भाग जाएं। ऐसा नहीं हो सकता भाई, जानते हैं, इसलिए दूसरा भी सोचे हैं, क्यों ना हम इसको अपने गैंग में शामिल कर लें। हो सकता है भाई। जी कहिए। हम सबका भी एक बॉस अच्छा। है और वो आपको बुलाए हैं, हमारे साथ चलेंगे ना? चलेंगे ना, लेकिन हमारे बिग बॉस से मिलना आसान नहीं है, उनके कुछ रूल्स हैं, बुरा मत मानना। नहीं मानेंगे। कपड़ा डाल, ऑटो। बैठो भैया, मोटे उतर। कितना हुआ भाई? यहाँ सीढ़ियां हैं, देख कर उतरना। सरकार, चेला आ गया सरकार। हेलो हेलो हेलो, हाउ डू यू डू? फर्स्ट यू टेल देन आई विल। अरे भैया वहां नहीं, आपके पीछे हैं। ओह, वेयर डू यू डू? आई डू हियर। क्या स्पाइस खेल रहे हो, घूंघटा तो उठा दो। मुंह देखने के बाद मुंह क्यों छुपा रहे हो, अरे दर्शन दे दो। सुन बच्चा, तेरे बारे में हमारे आदमियों ने सब कुछ बताया है, हम बैठेंगे तो खड़ा रहेगा। अब हम तुमको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, हमारे जो सिपहसालार खड़े हैं उनके नाम
कि पहले जो खड़ा है शिवा और ये है सत्या, ये है शोले की आग और वो है दौड़, वो है जंगल के जंगली और ये है लेटेस्ट एंट्री छोटा राजू, ये है मैरी और ये है जोआना। और आप भूतों के भूत ना सरकार यानी बिग बॉस। यहाँ इतना अंधेरा का है, बिल नहीं भरेगा। देख छोटे, ये हमारा सीक्रेट अड्डा है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पे पट्टी बंद कर लाए हैं ताकि तुम्हें पता न चले। इमा सीक्रेट का है, औरंगाबाद रोड पर सीताफल मंडी के पास सीताराम नुक्कड़ पर लक्ष्मी निवास बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं। कम बकर, अगर इतना बताया तो यहाँ का पिन कोड भी बता देते इसको। हम नहीं बताए सरकार, ये बहुत होशियार है। एड्रेस कैसे पता किया भाई? फ्लैशबैक में जाओ, औरंगाबाद रोड यही है। हाँ भाई, सीताफल वाली मंडी में ले ले, यहाँ से लेफ्ट लेना सीताराम चौक पर। बिल्डिंग का नाम क्या है? लक्ष्मी निवास। पहुँच तो गए, रुकना। ऑटो वाली गलती तो हमारी है, लेकिन तुमको ई कैसे पता चला कि ई ग्राउंड फ्लोर है? लिफ्ट में तीन फ्लोर ऊपर लेके गए, फिर सीढ़ियों से तीन फ्लोर नीचे ले आए, तभी हम समझ गए ई ग्राउंड फ्लोर है। थर्ड फ्लोर के बारे में कैसे पता चला? फिर से फ्लैशबैक में जाओ। थर्ड फ्लोर। ई समझदार है, पर इतना ही काफी नहीं है छोटे। अगर तू हमारी गैंग में शामिल होना चाहता है तो हमारी पोल अभी के अभी खोल के बता। आपका नाम जेपी नहीं है भाई, झुन्नू प्रसाद है। देख छोटे, अगर तू हमारी गैंग में शामिल हो गया तो इससे हमका का फायदा होगा बता। बताते हैं सरकार, शहर का सबसे बड़ा डॉन कौन है? उसका नाम एमपी भाई है, उसे पूरे 11 स्टेट्स की पुलिस ढूंढ रही है। ऐसा ही आदमी चाहिए, उसका फोन लगाइए। हमारे फोन में बैलेंस कम है यार, कॉल तो कीजिए। असली है ना? अबे ससुरा कौन है? कहा हुआ नंबर नहीं लगा? मिस कॉल मारे है, वो लोग फोन करेंगे। हम छोटा रिचार्ज कराए छोटे। कॉल किया ढन्नी, हम दे देंगे, आप फोन लगाइए। अरे लगाइए ना। हमको मिस कॉल देता है, अभी उठाता हूँ। अरे उठा लिया, पैसे कट गए। बात कीजिए, बात कीजिए। अरे कैसे बात करूँ मैं? हेलो हेलो, तनिक एमपी भाई को फोन दीजिए। भाई आपके लिए फोन। हेलो एमपी के बच्चे, तोरा गेम ओवर। आज से तोरा हर एक प्लान जेपी चौपट करेगा। तो है कौन जेपी का आदमी? जेपी ये कौन है? झुन्नू प्रसाद, मार्केट में नया है, मांडवली करनी है तो हम कहा के मिल। तो कब मिलना है? जब बादल बरसेंगे। बादल कब बरसेंगे? पगलट, जब हम मिलेंगे तब। फोन रख। ये फोन कॉल से आपका कल्याण हो गया, फिनिश। कल्याण नहीं दिया, आप शहर के बहुत बड़े डॉन बनने वाले हैं। हाँ, यूनिफॉर्म सिलवाइए और नहा धो के आइए। ये क्या कर रहे हो? फ्रेंडशिप। हाँ? सब खैरियत तो है ना? हाँ? तीसरी दोस्त कहाँ है? वो सो रही है। सो रही है? पगला गए हो का? काम तो हो रहा है, प्रोग्राम तो हो रहा है, खुद ही कहा था 7 बजे पिकअप करने आना। दोस्ती के नाते पिकअप करने आ गए तो हम का ही पागल कह रही हो? चलो उठो, बहुत लेट हो गया। जब प्यार करता था तब तो ऐसा नहीं था। चित्रा, निहारिका कहाँ है? सो रही है, जगाए का? ओ, नहीं, 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 अभी 10 तो बचे हैं, सोने दो उसे, हम इंतजार करेंगे। अरे उठाते हैं ना। कहाँ ना सोने दो, टंकी फुल कर दो। तो हर संडे तुम ओल्ड एज होम जाती हो? गुड सर, 2000। अरे गाड़ी हमरी है पर काम मैडम का है, पैसे इनसे ले लो। लेकिन हम कार्ड नहीं लाए हैं। जब गले में पड़ा हो सोना, फिर काहे का रोना, उतार के दो ना। ये तो बहुत चालू चीज है। Your parcel, ma'am. Bill, please. Sir has already paid. क्या बात है? ऐसे काहे बिहेव कर रहे हो? हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हम का किए? पहले तुम हमारा कितना ख्याल रखते थे और अब जरा देखो तो। अच्छा ये बात है, वो लव था, ये फ्रेंडशिप है। तो क्या फर्क है? बहुत फर्क है। लव मतलब केयरिंग, फ्रेंडशिप मतलब शेयरिंग। कैसन लगी डायलॉग की फ्रेमिंग? कहाँ मिला? कनॉट प्लेस में सर। कुछ बताया? टॉर्चर करने पर भी मुंह नहीं खोला सर। बहुत जिद्दी है सर। हमारी जान भी ले लोगे तो भी हम कुछ नहीं बताएंगे। पहले ये बता कि तू कब से काम कर रहा है वो अज्जू के गैंग में? एक महीना हो गया साहब। और इतना जल्दी गोला बारूद की स्मगलिंग भी शुरू कर दी? बहुत बड़े सपने हैं तोरे। हम तो सिर्फ उनके लिए काम करते हैं, जहाँ बेचते हैं वहाँ जाते हैं, और हम कुछ नहीं जानते साहब। अज्जू भाई और उनका छोटा भाई इरफान, उनका नेक्स्ट मिशन क्या है? उनका प्लान बताओ। उन्होंने इंडिया में एक मीटिंग रखी है, हमें नहीं पता, लेकिन किसी ऑपरेशन के लिए कुछ लोगों को वो अपॉइंट करने वाले हैं और हम कुछ नहीं जानते सर। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, फाइल तैयार है का? हमारे पास अज्जू भाई के 4 आदमियों की पूरी डिटेल्स हैं सर। हमने बाकी सबको भी ट्रेस कर लिया है सर, लेकिन उनमें से एक मिल नहीं रहा है सर।
हमारे पास उसकी फोटो भी है। इसके ऊपर चार केस चल रहे हैं। मुंबई का कौनो टपोरी है, लेकिन एक साल से वहां दिखाई नहीं दिया। इका नाम टोनी है सर। हमको इसी की तलाश है। ये जहां गए भी हो ढूंढ निकालो उसे। अबे बोल, हमारा डायलॉग क्या है छोटे? का जो मन में आए भक्तो। इतना बारिश गिर रहा है, छतरी नहीं लाए हो का? ए छतरी खोल। तू छतरी खुलवाने आया था? हम अब मैटर का है बोलेगा? इसी कैसे पता कि हमने मटर खाए? 24 घंटा में अपना सारा धंधा बंद करके शहर से दफा हो जाओ। भाई काहे बात लगा रहे हो? उसे बोलो बारिश बंद होने से पहले अपने सारे धंधे बंद करके दफा हो जा। क्या दूसरा ऑप्शन दे बे? ऑप्शन भी देना पड़ेगा। क्या बोला? कोनो और ऑप्शन नहीं, सिर्फ मौत। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ मौत। दौड़ सुन, गन की डबिंग। छोटे, हमने पहली बार तमंचा देखा है, चलाए कैसे? उमा एक लाल बटन है ना, रेड वाला लाल, वही ना? उसका दबाइए। दबाने से क्या होगा? मजा आएगा, दबाइए ना। चलो मजा लेंगे। छोटे टीका तो पैकअप हो गया। सरकार को मारना नहीं, होशियारी नहीं। ई हमारा बासुक दिया काहे चुभ रहा है? बहुत बड़े डॉन मान गए भाई। फनी हो तो। किससे बात कर रही है? राकेश से। तुम्हें क्यों खांसी आ गई? तुम तो बस फ्रेंड हो ना? वैसे तुम तो ये मशहूर डायलॉग सुना ही होगे कि लड़का और लड़की कभी फ्रेंड्स नहीं बन सकते, है ना? फ्रेंड नहीं है। काका? फ्रेंड नहीं है। ए, जरा जोर से बोलो। नहीं, हम उनके फ्रेंड नहीं है। हा? और ना ही कभी बनेंगे। राकेश कल वापस आ रहा है, ये गुड न्यूज सैड होकर क्यों दे रही हो? टाइम कितना जल्दी निकल गया, कुछ कर ही नहीं पाए। अच्छा, बहुत दिन से पूछना चाह रहे थे, तुमरे और राकेश के प्यार की शुरुआत कब हुई? वो तो लंबी कहानी है। तो मैडम शॉर्ट में बताओ ना। याद है हम कल ओल्ड एज होम गए थे, करीब 6 महीने पहले हम उसी के सामने रहते थे। हमें उन सबके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था, पर एक दिन लीगल नोटिस आया और उन्हें कुछ ही घंटों में जगह खाली करने की वार्निंग मिली। ये सब किसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हो रहा था, इसलिए हम मिनिस्टर साहब से बात करने गए। राकेश उन्हीं का बेटा है, वो हमारी बात समझ गया और तुरंत उसने जमीन के कागज हमें वापस कर दिए। थैंक यू सो मच। 2 दिन बाद वो अपनी फैमिली को लेके हमारे घर आ गया रिश्ते की बात करने। हमें उसका अंदाज बहुत पसंद आया और हमने हाँ कह दी। वहीं से हमारी लव स्टोरी शुरू हो गई। कहाँ खो गए? यार तुम्हारी लव स्टोरी तो टाइटैनिक की तरह डूबी हुई है। ये प्यार नहीं, व्यापार है। तुम दोनों मिलके बिजनेस कर लो तो बहुत प्रॉफिट कमाओगे। ई का बकवास कर रहे हो? तो फिर और का कहेंगे? तुम्हारी जरूरत रही वो जमीन और ऊ की जरूरत थी तुम। बस तुम्हें जो चाहिए था वो तुमका दे दिया और ऊ का जो चाहिए था वो लेने तुम्हारे घर आ गया। तुम भी बहुत चालाक हो। तुम सोची शादी से इनकार कर दूंगी तो फिर वो जमीन वापस ले लेगा। किसी से तो शादी करनी है तो फिर इससे काहे नहीं। तुमने बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और पूरे डील पर प्यार का ठप्पा लगा दिया। तुम हमारे बारे में ऐसा नहीं कह सकते। काहे नहीं कह सकते? 100 बार कहेंगे। राकेश तुम्हारे दिमाग में है, दिल में नहीं। राकेश हमरे दिल में नहीं बसा है, ये तुम कैसे कह सकते? खुदाई से पूछ लो। उस दिन जब मौत तुम्हारे सामने खड़ी थी तब तुम चित्रा को याद की, अपना फैशन शो याद की, यहाँ तक कि दिल्ली की पानी पूरी भी याद की। लेकिन 15 दिन बाद जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी वो याद नहीं आया। पानी पूरी जितनी पसंद है राकेश उतना पसंद नहीं। अरे बाप रे बाप, हमसे गलती हो गई। ये बिजनेस डील के चक्कर में प्यार कैंसिल नहीं करना चाहिए था, है ना? दिखा, जो दिल में था वो जुबान पे आ गया। हम पानी पूरी खा के आते हैं। लेकिन 15 दिन बाद जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी, वो याद नहीं आया।
निहारिका सॉरी फ्लाइट डिले हो गई। वेलकम बैक राकेश, वेलकम बैक। इंडिया में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईका कह रहे हो रेक्स हम ही के फ्रेंड है, हमें दोस्ती हो गई है, तुमका पिकअप करने आए हैं। ईका कह रहे हैं? हाँ रेक्स, निहा तुम बताई नहीं? प्यार में हम हार गए रेक्स। ई चांद है तो हम ग्रहण है, ई टॉप फ्लोर है तो हम ग्राउंड फ्लोर है, हम ही के लायक नहीं है। लेकिन तुम भी इके लायक नहीं हो। अगर हम ग्राउंड फ्लोर हैं, तो तुम अंडरग्राउंड पार्किंग हो। इसलिए हमारी बात मानो, इका भुला दो, दोस्त बन जाओ। तुम होते कौन हो? दोस्त हैं रेक्स। तुम रिप? हम सोचे तुम इससे बहुत प्यार करते हो, पर ये तो दिखावा है। देखो दोस्ती के नाते कह रहे हैं, तू इके लायक नहीं है। निहारिका तुम कुछ बोलती कहे नहीं हो। निहारिका ये जो कुछ कह रहा है वो सच है? कहाँ मजाक चल रहा है? पहले प्यार करता था, अब दोस्त बन गया। इसका इरादा हम दोनों को अलग करने का है। अरे तू हमारी बात का गलत मतलब काहे निकाल रहा है? हम तो बस निहारिका के भले के लिए कह रहे हैं, तुम किसी और को ढूंढ लो। बस करो राकेश आओ। वेट रुको, ना तुम उसके लायक हो ना ही हम है, यही कह रहे हो ना? और का निहारिका ये तुम्हारा सच्चा दोस्त है। ओके ठीक है, हम मानते हैं कि हम इसके लायक नहीं है ना ही तुम हो, तो इसके लायक एक लड़का ढूंढ के शादी करा देते। बोलो मंजूर है? देखा जैसे पोल खुल गई तो बोलती बंद हो गई इसकी। इसके शादी के कार्ड हम छापने को तैयार हैं, पर क्या तुम बांटोगे? बोलो। हम अपनी इस दोस्त के लिए कभी ऐसा काहे नहीं सोचे, शर्म आ रही है हमें अपनी दोस्ती पर। हम तैयार हैं, तुम भी तैयार हो ना? तुम्हें भी इसकी इतनी चिंता है ना, तो मिलके जीजा जी ढूंढेंगे। मेहनत हमारी होगी, खर्चा तुम्हारा, सर्चिंग हमारी, स्पेंडिंग तुम्हारी। कहां से लाएंगे कैसे लाएंगे पता नहीं, पर मर्द की जबान देते हैं। एक महीने के अंदर तुमसे अच्छा लड़का लाकर निहारिका की उससे शादी करवाएंगे। थोड़ा सेंटी हो गया, निहारिका तुम शॉपिंग शुरू कर दो। हाँ? समझो तुम्हारी लाइफ सेटल हो गई। राकेश हमारे भाई, आई लव यू। क्या आइडिया दिए हो यार, हम काम पे लग जाते हैं। रुक जाओ, गुस्से में काहे हो? ये मारा कि नहीं? ले आओ, अब मर गवा। हीका हमने टोनी और निहारिका पर नजर रखने के लिए कहा था, इतना सब कुछ हो गया और इसने हमें कुछ भी नहीं बताया। ये टोनी चीज कहाँ है? रोज नई चाल चलता और निहारिका कुछ भी नहीं समझती। ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, दिमाग घूम रहा हमारा, लगता है वो हमारे हाथ से गई। बेटा तुम्हें तो कोई भी लड़की नहीं, कोई और लड़की नहीं, सिर्फ निहारिका चाहिए हमें। अरे ये तो छोटी सी बात है, अगर इतनी सी बात पर तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा तो राजनीति कैसे करेगा बिटवा, और माफिया कैसे मैनेज करेगा? बिटवा जो भी कदम बढ़ाना है सोच समझ के बढ़ाओ, पहले आदमी की औकात समझो, फिर उसके मुताबिक उससे डील करो, सब हो जाएगा। पर अभी थोड़ा सब्र रखो, दुबई से अज्जू का भाई इरफान आ रहा है, उनके साथ एक बड़ी डील है, वो हो जाने तक थोड़ा शांत रहो, फिर तोहरा मामला भी सेट कर देंगे। पहले ही तो पता लगा कि वो लड़का चाहता का है। लड़का देखना है? पहले लवर बनाए फिर फ्रेंड बना लिए, हेरू का लवली फ्रेंड बना लिया, अब उसी लड़की खातिर तुम्हें एक लड़का भी ढूंढना है। आखिर ये डिसीजन काहे लिए भैया? और कोनो रास्ता नहीं था। ठीक है, तो आपको कैसा लड़का चाहिए बताएंगे? घोड़े जैसा, बिल्कुल रेस के घोड़े जैसा। वो कोई घोड़ी है जो घोड़ा ढूंढना है? ढूंढना लड़का ही है, चलो ढूंढो ससुरा पगलेट। अरे वो देखो लड़का, जैसा हम कह रहे थे बिल्कुल वैसा है। हाँ वैसा ही है। आए सरकार। भाई पूछिए सिंगल है या बैचलर है? पूछ के बताते हैं। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का। शैतान है कि शैतान? तुम शैतान हो या इंसान, तुम्हें एक टक्कर मार के आज तोड़ देंगे, तोड़ देंगे। रास्ते के गति अवरोधक छोटे सरकार, दब गए।
हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम्हारे एक छोटे से आइडिया ने हमारी लाइफ बदल के रख दी है। माफिया हमसे मिलने के लिए बेकरार है। अच्छा? अब हम इंटरनेशनल डॉन बन चुके हैं। अब वो सब हमारे लेवल पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे दिमाग ने तो हमारा स्टेटस बदल दिया। बचवा, हम तुम्हारे काम से बहुत खुश है। तुझे जो भी चाहिए हमसे बेझिझक मांग लेना। बिना मांगे सब कुछ मिल गया हमें। आपकी खुशी में हमारी खुशी है। हमें कुछ एक मिनट, हमें किसी ने याद किया। एमपी को टपकाने से हमारा स्टेटस इतना बढ़ गया तो छोटे भाई को टपकाने के बाद हम कहाँ पहुँच जाएंगे। ए रेक्स, एकदम ढिंचाक लड़का मिल गया है। हमें तुमसे एक बार मिलना है। मिल लो। बोलो रेक्स, यहाँ कहाँ है बुलाया? आखिर चाहते क्या हो तुम? निहारिका की जिंदगी से दूर जाने के लिए क्या लोगे तुम? जो मांगूंगा देगा? जरूर देंगे। पक्का ना? तू मांग के तो देख। हमें तुम्हारी जान चाहिए। तू कहा था ना, निहारिका तुम्हारी जान है, वही जान हमें चाहिए। तो दोस्ती के नाटक आए? प्यार खातिर लोग काका नहीं करते, हम तो बस नाटक किए। अब तुम्हारी चालबाजी नहीं चलेगी। चुपचाप निहारिका की जिंदगी से दफा हो जाओ। हम जैसे टपोरी के लिए निहारिका एक ख्वाब है जो बड़ी मुश्किल से हकीकत बन रहा है। इसीलिए शराफत से कह रहे हैं, भूल जाओ का वरना। तू धमकी दे रहा है? वो भी हमें? हमारी जिंदगी में बहुत लड़कियां आई हैं, लेकिन निहारिका जैसी कमसिन कली कभी नहीं आई। उका कली से फूल बनाने की इच्छा है हमारी, और हम बना के रहेंगे। चाय की खातिर तुम्हें मारना देना पड़ेगा। मुंबई की पतली गली से हाईवे तक हमारे बारे में पता कर ले। जो कारनामे तुम आज कर रहे हो हम बचपन में करके छोड़ दिए। चुपचाप हमारे रास्ते से हट जा, वरना वो हाल करेंगे कि जिंदगी भर ताली बजाते फिरोगे। जानता किससे बात कर रहा है? पूरा माफिया चलाते हैं हम। जिस इरफान को दुनिया पकड़ना चाहती है वो इरफान के साथ उठना बैठना है हमारा। उनको एक मिस कॉल किए ना तो तुम दुनिया से मिसिंग। सिग्नल पर ट्रैफिक हवलदार पकड़ता है तब ऐसी स्टोरी सुनाते हैं कि हम ईका जानते हैं, हमारा बाप कौन है। इन मासूम लड़की के चक्कर में माफिया काहे ला रहे हो? तू पागल हो गया का? भेजे में बात नहीं घुसते, आखिरी बार समझा रहे। अगर रूह हमें ना ही मिली तो दोनों को मरवा देंगे। वाट लग गई, हम दोनों पकड़े गए। एक बार फिर तुम हमको बचा लिए, थैंक्स टोनी। तू तो बोला हम दोनों पकड़े गए तो तुझे थैंक्स बोल के काहे गई? तुम फोन करके हमें बुलाए, हम फोन लगा के निहारिका को। सच्चाई उगलवा के तुम्हारा असली रंग दिखाने के लिए निहारिका से बोले कि हम नाटक करेंगे। मतलब तुमने ये सब जानबूझकर किया? निहारिका से कहे थे हम झूठ कहेंगे, लेकिन असल में ये सब सच है। हमसे बड़ा विलन तुमने देखा नहीं होगा। तुम दोनों ऐसे सड़े हुए काहे बैठे हो? क्योंकि हम खुश नहीं हैं। तोरी शक्ल पे हमेशा 12 ही बजे होते हैं, सही बोले ना? हाँ, मजाक मत करो, राकेश ने वैसे ही मूड खराब करके रखा है। इंसान मुसीबत में पड़ के रोता है, मुसीबत से निकल कर रोने वाले पहली बार देख रहे हैं। तुम हमारी दोस्ती के लायक हो ही नहीं। तुम तो बड़े लायक निकले। हमने क्या किया है? वही तो, तुम तो जैसे बहुत झंडे गाड़े हो। दोस्ती में लोग पार्टी करते, धूम मचाते, क्लब में जाते, अब ये सब हम सिखाएगा। ऐसे मंद मंद मत मुस्कुरा। I'm getting bored. Need some entertainment. Come on, entertain me. Come on. Welcome. तुम्हारा काम हो गया समझो। चला जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। सारा सामान रख दिए है। हेलो। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं टोनी। हाँ कहो।
जब तक तुम हमारी जिंदगी में नहीं आए थे हम हमेशा भीड़ में भी खुद को अकेला ही पाते थे, पर अब तुमसे मिलने के बाद लगता है जैसे हमको किसी की जरूरत ही नहीं। हमें पहले ऐसा कभी नहीं लगा टोनी। आई वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर एवर। आई लव यू टोनी, आई लव यू सो मच। हेलो हेलो, पता है हमने इसे क्यों टपकाया? क्योंकि ये धोखेबाज है। बट डोंट वरी, तुम्हारा काम नहीं रुकेगा। वाइजैक से तुम्हारा माल निकल चुका है। ऑलराइट, आई अप्रिशिएट। हम सनी हारिका को छीनेगा। हम उनके लायक नहीं है। इरफान भाई को नहीं जानता तू? अब कोई जबान नहीं चल रही तुम्हारी। उस दिलों की तरह पीछे से वार करते हो। लोगों से बात मनवाने का यही तरीका है तुम्हारा। अब कान खोल के सुन, तो रहू इरफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राकेश कहाँ हो तुम? यहाँ कोई हमारा भेजा खराब कर रहा है भाई। अच्छा, तो उसको टपका डालो। नहीं भाई, मारने से पहले हमको दिखाना चाहते हम चीज कहाँ है। तो यहाँ पर लेकर आओ ना उसको। उसको जो दिखाना है हम दिखाएंगे। लेके चलो, पकड़ो इका। ये बहुत शाना बनता भाई, आपके नाम का भी खौफ नहीं है इसको। यहाँ लेकर आओ उसे। चल, देख इरफान भाई किसका नाम है, देख। सलाम वालेकुम इरफान भाई, पहचाने नहीं? अज्जू, अज्जू भाई। सूट बूट पहन के सोफे पे बैठ जाने से कौनो इरफान भाई बनता है का? कौन सी ड्रामा कंपनी से लेके आए इसे? अगर ये इरफान है तो हम लादेन है, बिन लादेन तो अरे ट्विन टावर उड़ा देंगे। अरे कोई किस जबान बंद करो। रुको, कम बैक। तो का लगता है तुम्हारे का तो हम डर जाएंगे। हमको अपना नाम तो बताओ। टोनी। हिम्मत बहुत है तुम में। तुम अकेले हम सबसे लड़ने चले आए। हमारे लोग तुमको इतना मारेंगे ना, यहाँ भी नहीं जा पाएगा। वक्त है, भाग जा। बिजली की बस एक तार पूरे घर को रोशनी दे सकती है, लेकिन जब कोनो तार को छू ले तो झटका 440 वोल्ट का लगता है। इसको आसान मौत मत देना। इसे ऐसी मौत देना कि हर जन्म में इसकी रूह इरफान के नाम से कांप जाए। वाह, ये नौटंकी वाला डायलॉग अच्छे मारता है। चल अभी भौंकना बंद कर। अगर वाकई इरफान भाई है तो हम कल उड़का के दिखा। आजा। सब चूहों के असली बाप अज्जू भाई के छोटे भाई इरफान को लटका डाला। पगला गया है का? एक दुबली पतली लड़की खातिर इरफान भाई को टपका डाला तूने? पगला तो तुम सब गए हो। तुमका लगता है हम किसी लड़की खातिर इरफान भाई को टपका डालेंगे? अरे यहाँ हम कौनो लड़की के प्यार में पागल होकर नहीं आए हैं, तुम सबकी जान लेने आए हैं। राकेश, हम तो का उस लड़की खातिर परेशान नहीं किए, बल्कि यहाँ पहुँचने खातिर इस्तेमाल किए। अगर हम चाहते तो इरफान को कश्मीर में ही टपका सकते थे,
लेकिन हमका तुम सबके इकट्ठा होने का इंतजार था और आज वो टाइम आ गया। तुम सबको एक साथ मारने खातिर हम 2 महीने से ऐसी जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन जगह तो तुम ही ढूंढ लिए। चुन चुन के मारेंगे हर एक को। बैठक बुलाकर स्थिति का जायजा लिया। सर, मीडिया वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, उन्हें कहाँ जवाब दें? उनको तो बाद में जवाब देंगे, पहले ही सोचो कि अज्जू भाई को कहाँ जवाब देंगे। मंत्री और उसके बेटे को नजरअंदाज करके तो बस कुर्सी जाएगी, अज्जू भाई को नाराज करेंगे तो जान जाएगी। हर तरफ टेंशन ही टेंशन। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सेंट्रल वाले एक ऑफिसर भेजे हैं। लापता मिनिस्टर माधव राव और उनके बेटे की हत्या हो गई है। शहर के बाहर दोनों की लाशें बरामद हो चुकी हैं और उन दोनों के साथ माफिया डॉन अज्जू भाई के भाई इरफान भाई की भी लाश बरामद हुई है। इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ है और उनका क्या मकसद है, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। निहारिका, राकेश के साथ क्या हुआ पता है? टोनी हमारा फोन काहे नहीं उठा रहा, हमें बात करनी है उससे। छानबीन के लिए एक नए पुलिस अफसर को नियुक्त किया गया है। कल रात हमें हथियारों से भरे 2 ट्रक छोड़े थे। अरे जल्दी भागो यहाँ से, भागो, चलो चलो चलो। ट्रक को देख के पता चल जाएगा कि हम इरफान भाई से जुड़े हैं तो फिर पुलिस हमें कुत्ते की बहुत मार देगी ना। वो सब ठीक है, लेकिन इरफान भाई को मारा किसने? इस सोच के हमका टेंशन आ जाती है। टेंशन 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 टेंशन। हम आपका सर दबा दें। हम तुम्हारा गला दबा दें। सरकार को जाने दो बेबी, तुम हमारा दबा दो। बचाओ, धरती हिल रही है, मोटू आ रहा है। का हुआ? अरे गेहूं की बोरी बता का हुआ? वो हम सबकी बैंड बजा रहा है भाई, असल में वो उन लोगों को मारने के लिए यहाँ आया है। इरफान भाई का खून भी उस ससुरे टोनी ने किया है।
आपके सामने बड़ा बड़ा डायलॉग मारा और तो और बड़े बड़े सपने दिखाए। हम सबको उसने चने के झाड़ पे चढ़ा दिया भाई। हम सबका सारे कामा करके पादा नीसा कर दिया भाई। हमारा सर पहले से ही चकरा रहा है और तू घूमा बंद कर ये हमको मारे का है। आपको भी हमारी बात समझ नहीं आई का भाई? वो टोनी सबको टपका दिया। सब लोगों को कौन मारा हमें टेंशन में है और तू गुंगा बनने का नाटक कर रहा है ससुरा नौटंकी। ये बहरे हो गए हैं या हम गूंगे? लगता है हमारा ही म्यूट बटन दब गया है। ये लोग सच कह रहे हैं। देखिए इस बारे में हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा आप सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। भाई कोई बात की खबर मिली का? अपनी साली के साथ छुट्टी मना रहे। अरे काहे नहीं किए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, जल्दी खबर करो। हाँ खबर कर दो। कुर्बानी देगा कौन? किसमें इतना डेयरिंग है? अज्जू भाई को ही बोलना कि किसी ने उनके भाई को टपका डाला और पूरे 500 खोके लेके फुर हो गया। हलवा है का? नंबर हम लगाते हैं, बतियाओगे तुम। रुको जरा। बोल भाई, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। भाई यू इरफान भाई मर गए। भाई कब मरा? कल शाम को। कहाँ? वाइजैक पोर्ट। कैसे? क्रेन का हुकार पार कर दिए भाई। कौन मारा? पता नहीं। अज्जू भाई कौन मारा? पता नहीं भाई, अपुन को नहीं मालूम। हेलो अज्जू भाई। हाय गाइस, वेलकम वेलकम। प्योर रॉ डायमंड्स। इन्हें 500 करोड़ रुपए कैश चाहिए भाई। पैसा कहाँ भेजे बताइए? अफ्रीका। इन 10 मिनट्स योर मैन विल हैव द मनी। थैंक यू। सॉरी अज्जू भाई, इरफान भाई की मौत का बहुत बुरा लगा। किसने मारा उसे? पता जाऊन जवाब सुन सुन के हम परेशान हो गए। वो बात हमसे बुलवा कर अच्छा नहीं किए तुम। जैसे अपने बाप का पता न होने पर बुरा लगता है, वैसे ही अपने भाई के खूनी का पता न होने पर बुरा लग रहा है। हमरे होते हुए हमारे भाई को कत्ल करने वाला इस दुनिया में अब भी सांस ले रहा है, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ढूंढ निकालो का। हेलो, सिग्नल प्रॉब्लम। अच्छा, फोन काहे कट कर रहे थे? वो दिन हम जो कुछ भी कहे तुम सुने ना? हाँ सुन लिए। तो तुम भी तो वही चाहते थे ना, तो फिर आप हमें अवॉइड काहे कर रहे हो? सोच रहे थे एक बार फिर से चेक कर ले। कहाँ चेक करना चाहते हो तुम? ओल्ड एज होम की बिल्डिंग मिल जाए इसलिए राकेश से प्यार कर बैठी, और उसकी सच्चाई जानने के बाद हमसे प्यार करने लग गई। सोच रहे थे राकेश की तरह हम भी सिर्फ दिमाग में तो नहीं। ई खातिर हम एक लंबा सा गैप लेके अपना शक दूर कर रहे थे। पकड़े गए? तुम हमें समझ का रखे हो? हाँ, ऐसा सोचते हमारे बारे में? उस दिन मरने से पहले हमें राकेश की याद नहीं आई, तो तुम ही तो कहे थे ना कि ये प्यार बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम हमें 7 दिन ना ही दिखाई दिए तो मर जाने को दिल किया। इसे तो प्यार कहोगे ना? तुम्हें कोई और मिल गई का? तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दो, कुछ तो बोलो टोनी।
मेरी खामोशी हमारी जान ले लेगी टोनी, प्लीज कुछ कहो, हम तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकते, वादा करो कि तुम हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगे, हमसे वादा करो। हम वादा करते हैं। डॉग फादर, नहीं नहीं नहीं, गॉड फादर, अब आगे का होगा? एक तो वो हत्यारा नहीं मिला, उसके ऊपर वो नया पुलिस वाला हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे करता जा रहा है। धरती फिर से हिल रही है भाई। ये घन खुजुरा फिर से आ गया। आपको हमारी बात सुनाई नहीं दे रही थी ना, तो लिख कर लाए हैं, पढ़िए। कांदे, चार क्लास का पढ़ लिया, अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझता है का? तू भुला गया का कि काला अक्षर हमारे लिए भाईस बराबर है? छोटे, तू आया तो दिल में सांस आ गई, हमारी जान में जान आ गई। तीछे सुंदर हमने 12 बजाना था, पर 12 तो एक ही शक्ल में बजे। अरे इसकी शक्ल ही ऐसी है, कल गूंगा बनके फुटेज खा रहा था और आज ये लव लेटर लेकर आया है। अरे देखो तो कौन सी लिपि लिखी है, देखा? जरूर हमारी बुराई कर रही होगी इसने। तुम अभी तक नहीं बताए, हमका लगा कब का बता दिया होगे। कहा नहीं बताया, बड़ी बात नहीं है भाई, इरफान और उनके आदमियों को और मिनिस्टर और उनके बेटे को किसने मारा है ये लिखा है इसमें। उन्हें किसने मारा? हमने, और किसने? तुमने? हाँ झुन्नू भाई। नहीं छोटे, हमसे कॉमेडी मत करा, हमारा दिल तो छल्ली छल्ली हो गया है। हम कॉमेडी काहे करेंगे, आपको यकीन नहीं होता ना। हम उस सबको मारकर पैसा यहाँ छुपा दिए थे। सचमुच तू नहीं मारा, पर क्यों छोटे? हम उनको नहीं मारते तो आप ओपोजिशन तक कैसे पहुंचते? पर हम तो अपना सपना तुझे कभी नहीं बताए थे। आप नहीं बताए फिर भी हम एमपी को मारे ना। एमपी हमारी गोली से नहीं मरा। ओ, आपको लगा था आप उका मारे? अरे आप बटन दबाइए ना, वो अपने आप मर जाएगा। ये सब का है छोटे, आपको सबसे बड़े डॉन की कुर्सी पर देखना ही हमारा मकसद है, आपकी खुशियों के खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा तुम इरफान भाई को भाई के लिए मार दिए, पर मंत्री और बेटे को काहे मारे? हम सोचे इरफान की मौत के बाद मिनिस्टर जिंदा रहा तो बहुत दुखी होगा, रहम खाकर मार डाले। अपने डर को भगाए खातिर तुम लोगों को मारते हो ये तो पता था, लेकिन रहम आने पर लोगों की जान लेना ई काहे भैया। हर कैरेक्टर को ऐसे ही मारते रहेगा तो पिक्चर आगे कैसे बढ़ेगी? अगर तू ये सब हमारी खातिर कर रहा है तो वो पुलिस ऑफिसर हमें कुत्ते की बहुत मारेगा, गन दिखा के कहेगा तोरा कहा होगा कालिया, तो हम कहा जवाब देंगे? डर लगता है तो उनका मार दीजिए भाई, आपके खातिर तो हम वो पुलिस ऑफिसर को भी मार दें। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हम कुछ नहीं होने देंगे, सब सेट कर देंगे। आप तो बहुत बड़े जादूगर हो, झटका लगा तो जुबान चलने लगी। कसम से दोबारा पंगा नहीं लेंगे, हमको अपना चेला बना लो। यहाँ हम आए थे सबके सामने आपकी पोल खोलने, पर आपने हमारा गला खोल के सबकी बोलती बंद कर दी। अब आपको टपकाना तो किसी के बस की बात नहीं, बस उस ऊपर वाले को छोड़कर। जहाँ तक हम जानते हैं इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बहुत ही शांत स्वभाव के थे। अपने बेटे और पोते को मार डाला। ये मंत्री जी की कुछ चीजें हैं। इरफान भाई को मरे हुए इतना टाइम हो गया और खूनी का पता नहीं चला। कोई भी फोन करता है तो अज्जू भाई का फोन समझ के डर जाते हैं हम। खूनी का नाम मत लेना, उसने ये सब मेरे लिए ही तो किया है। आपका कहना बिल्कुल सही है। पता लगाओ खूनी कौन है। अरे जब अज्जू भाई को पता नहीं चला कि खूनी कौन है तो हमको कैसे पता चला तो खूनी? वो कौन है पता चला? मालूम नहीं भाई, 20 दिनों से हम यही बात सुनते आ रहे हैं। हमारे भाई की मौत से ज्यादा हमको इस बात का अफसोस है कि उसके खूनी का अभी तक पता नहीं चला। ना हमें हम जवाब सुनना नहीं चाहते, बताओ हमें पता चला या नहीं, पता चला या नहीं। ये तो हम बड़ी असमंजस में फंस गए हैं, बताएंगे तो भी मरेंगे, नहीं बताएंगे तब भी। ये
एक खामोशी से दिमाग और चकरा रहा है। अगर हमें थोड़ा समय दे देंगे तो तुमसे नहीं होगा, इसलिए हम खुद आए हैं। एक गैंगवार नहीं है, किसी एक आदमी का काम है। हम उस आदमी को 24 घंटे में पकड़ लेंगे और तब तक कोई शहर छोड़कर नहीं जाएगा। ये बात अच्छी तरह से समझ लो। कुछ भी याद आए तो हमका इन्फॉर्म कीजिए। हमरा पोता राकेश 10 दिन में शादी करने वाला था। हम कितना मना किया उस लड़की से मिलने से। ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। कल वही थी वो, खा गए हमरे बेटवा और पोते को। राकेश की लव स्टोरी का चक्कर है? सर वो दोनों की शादी होने वाली थी पर बाद में वो लड़की किसी और से प्यार करने लगी। कौन है वो? लड़के का नाम टोनी है। टोनी? ये उसकी फोटो है। इसका नाम टोनी है सर। एक साल से मुंबई में दिखाई नहीं दिया। टोनी यहाँ रहता है? रहता यही है पर मंदिर गया है। कौन से मंदिर? देवी के, शहर के बाहर है पहाड़ी पर। वो टोनी की सारी डिटेल्स भेजो इसी वक्त। जी प्रभु द ग्रेट, अज्जू भाई ने ठान लिया है कि वो अपने भाई के खूनी को मार देगा। पर टोनी ने तो ये सब हमरे खातिर किया है। अगर टोनी भाई के हाथ लग गया तो हम भी खत्म हो जाएंगे। हम उस पुलिस ऑफिसर और अज्जू भाई के हाथ ना लगे ये खातिर हम तोहरी शरण में आए हैं प्रभु द ग्रेट। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। 100 बार मंदिर की परिक्रमा कर लो, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। ये लड़का बेटा, हम दोनों शादी करने वाले पंडित। अच्छा अपना हाथ तो दिखाइए। रहने दीजिए, हम ये सब नहीं मानते हैं। अरे हाथ तो आगे करो, ये लीजिए। ये टेढ़े के हाथ की रेखाएं सीधी नहीं होंगी, देखना। देखने में तो नहीं लगते पर हो तुम बहुत टेढ़े। हाँ, आप तो हमरा ही डायलॉग मार दिए। बेटी मंदिर के हवन कुंड में आहुति देकर परिक्रमा कर लो, इससे सब कुशल मंगल हो जाएगा। जी पंडित जी। जयराम जी की पंडित जी। तुम कहाँ जा रहे हो? अकेले में बात करने के लिए ही तो उनको वहाँ भेजा है। आज तक तुम्हारे जैसा हाथ किसी का नहीं देखा है। कहते तुम कुछ और बात हो, आंखें तुम्हारी कुछ और कहती है। तुम्हारे डायलॉग और एक्शन का कोई तालमेल ही नहीं, समझ में नहीं आता तुम आदमी हो कि पहेली। आप काफी कुछ समझ गए। देखो बेटा, वो लड़की को हम कई दिनों से जानते हैं, बहुत ही भली लड़की है, सच्चे दिल से चाहती है वो तुमको। उसकी आंखों में साफ नजर आता है, उसके दिल को चोट मत पहुंचाना। तुम खतरों से लड़ना अच्छी तरह जानते हो पर ये मत सोचना हमेशा तुम्हारी विजय होगी, काल कभी भी तुम्हें डस सकता है। अभी 100 परिक्रमा करने बोला। पहचान गया तो कुत्ते की मौत मारेगा। प्रभु कैसी है तेरी माया? हम जैसे भिखारियों ने कुछ नहीं पाया, इसने नहीं पहचाना।
तुम का जानो कौन किसकी लाइफ में आया है? वो आई थी हमारी लाइफ में। जिस निहारिका को हम जानते हैं उका तो तुम भी नहीं जानती। नहीं, निहारिका जानती है कि वो कौन है। हम तुमको सब कुछ बताते हैं। हमरे खातिर एक ही इंसान हमारी दुनिया थी, हमरे पिताजी। वही हमरे लिए सब कुछ थे, पर वो एक क्रिमिनल थे और वो हमको अपने जैसा बनाए। एक बार जुबान दे दी तो अपनी जान की बाजी लगाकर उसका पूरा कर दे। वो हमका भी यही सिखाए, मगर फिर एक दिन अचानक। पिताजी, पिताजी, ये क्या हुआ? कौन किया है? घुसा डाला रे। बताइए कौन किया पिताजी? ससुर पुराना दुश्मन था, अकाउंट क्लोज। पिताजी, पिताजी, हमरा नहीं उसका। वहाँ नहीं देखिए पिताजी, नीचे देखिए, आपको दर्द होगा। हम अपना खून नहीं देख सकते, बता कितना गहरा है घाव? घाव तो बहुत गहरा है पिताजी, पर आप घबराइए मत, ठीक हो जाएगा। गहरा घबराइए मत, अरे जल्दी हमको हॉस्पिटल लेकर चल, जल्दी। टोनी जी, हमें तुमसे कुछ कहना है बिटवा। हाँ पिताजी, बोलिए ना। हर घर में कोई एक खोटा सिक्का होता है, हमारे घर में दोनों ही खोटे निकले। हमारे घर में भी एक ही होना चाहिए और वो हम रहेंगे, और हमारे बाद कोई नहीं रहेगा। बस पिताजी, हॉस्पिटल में आते आते हमारी जिंदगी की पूरी रील हमारी आंखों के आगे से गुजर गई। पूरी जिंदगी में हमने कोई गर्व करने लायक काम किया हो हमको याद नहीं आता बिटवा, नहीं आता। हमने आज तक जो भी गलत काम किए हैं हमारे साथ ही खत्म हो जाएंगे बिटवा। मरने के बाद कोई हमें याद करे, ऐसा कोई काम हमने नहीं किया। बिना किसी का भला किए जा रहे हैं, इसका बहुत अफसोस है। पिताजी आपको कुछ नहीं होगा, हमने तुमको अपने जैसा बनाया, इसका कोई अफसोस नहीं है। लेकिन हमरे जैसा जीरो बनकर नहीं मरोगे तुम। हर इंसान की शुरुआत जीरो से ही होती है, लेकिन लाइफ सबको हीरो बनने का चांस भी देती है। बहुत से लोग मौका खो देते हैं, हमने भी खो दिया बेटा। लाइफ तुमको भी हीरो बनने का मौका जरूर देगी, उसे खो मत देना। मौका खुद चल के तुम्हारे पास आएगा, उसे उसे खो मत देना, पकड़ लेना। देखना, अच्छा काम करके तुम्हें खुद पर गर्व महसूस होगा। ऐसा काम किए बगैर हमारे पास आए तो टोनी तुझे हम माफ नहीं करेंगे। पिताजी, हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। तुझे छोड़ के हम आखिर कहाँ जाएंगे? मरने के बाद भी हम तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। पिताजी की आखिरी नसीहत हमरे दिलो दिमाग पर पत्थर की लकीर बनकर रह गई, और जिंदगी ने हमका एक मौका दिया निहारिका के रूप में। आपकी बहन हमारे घर की लक्ष्मी बने, यही हमारे लिए काफी है। लड़का तो अच्छा है, पर हमें शादी नहीं करनी। ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा निहारिका, मान भी जाओ। नहीं भैया। अर्चना, तुम इसे अपने तरीके से समझाओ, ये हमरी तो सुनती नहीं। मान भी जाओ निहारिका, कितना अच्छा लड़का है, तुम दोनों की जोड़ी भी अच्छी है। आखिर ना कहने की वजह का है? ये है हमरी वजह। भैया, हमें अभी शादी करके आप लोगों से दूर रह के यूएस में नहीं रहना है, आप सब हमरी दुनिया हो। हाँ, पर कभी तो आपको हमरी कसम, आप हमें फोर्स नहीं करेंगे भैया। बबलू कैच, जल्दी लेकर आओ। इगन काहे है भैया? आप तो मार्केटिंग जॉब करते हैं ना, फिर आपके पास इतना पैसा और गन कहाँ से आया? आप कोई गलत काम नहीं करते होंगे, हमें यकीन है। हम आप पर शक नहीं कर रहे हैं भैया, हमें तो खुद से ज्यादा आप पर भरोसा है। आप गलत हो ही नहीं सकते, कभी नहीं। सर, हम पुलिस वाले हैं या फिर क्रिमिनल? अचानक ये सवाल क्यों सूर्या? कैसे कहें, समझ नहीं आ रहा। What happened? हम एक अंडरकवर कॉप हैं, ये बात आप जानते हैं। अपने देश के लिए ऐसा काम कर रहे हैं कि अपने परिवार को भी नहीं बता सकते। क्रिमिनल्स के बीच रहकर भी हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनमें से एक को भी हम आज तक नहीं मार पाए। कितने मजबूर हैं हम, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते हम उनको खत्म करना चाहते हैं। आई वॉन्ट माई आइडेंटिटी बैक सर। इतना जज्बाती मत बनो सूर्या, अगर अचानक मैंने ये बता दिया कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो तो पूरा मिशन फेल हो जाएगा। आई एम रेडी टू डाई सर, हम देश के लिए मर जाएंगे लेकिन देश द्रोही बनकर नहीं। हम अपनी वर्दी में ही शहीद होना चाहते हैं सर, कोई क्रिमिनल जैसे नहीं। कल हमरे मर जाने के बाद
हमारे परिवार को हम पर गर्व होना चाहिए सर, शर्मिंदगी नहीं। अगर ये ऑपरेशन हमने यहीं छोड़ दिया तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, सो प्लीज कोऑपरेट। पानी नहीं फिरेगा सर। ये लीजिए, अज्जू भाई से रिलेटेड सारी डिटेल्स हैं इसमें, पॉलिटिकल लिंक्स, टेररिस्ट प्लान्स और फाइनेंशियल हब, सब की डिटेल्स हैं इसमें। यहीं मुंबई में आज एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है सर, बस हमको एक मौका दे दीजिए पुलिस ऑफिसर होने के नाते इन क्रिमिनल्स को खत्म करने का। वेल डन सूर्या, हमें 24 घंटे की मोहलत दे दो। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, ये हम पब्लिकली अनाउंस करवा देंगे। अपनी फैमिली को भी खुशखबरी दे दो। थैंक यू सर। हेलो निहारिका, हमारी बात सुनो, बच्चों को लेकर अभी घर पहुंचो। ठीक है भैया। तुम्हारे सभी काले कारनामों का चिट्ठा वो फाइल में, किस किस के साथ कहां कहां, तुम्हारे लिंक्स, तुम्हारे अकाउंट्स, सब कुछ। तुम दुनिया के किसी भी कोने में नहीं छिप सकते। You are finished, अज्जू भाई। मतलब हमारा पॉलिटिकल करियर तो गया अज्जू भाई, कुछ करिए ना, नहीं तो जेल में हमको चक्की पीसनी पड़ेगी। 50 करोड़ देते हैं, एक केस को क्लोज कर दो। 100 करोड़ और देंगे, वो इन्फॉर्मेशन देने वाले का नाम बताओ। 150 करोड़। छोड़िए ना अज्जू भाई, तुम्हारा हमारे लोगों को खरीदना, हमारा तुम्हारे लोगों को खरीदना, ये सब तो आम बात हो गई है। लेकिन हमारे लिए आम बात नहीं है, हमारे साथ ही रहकर, हमारे साथ ही खाकर, हमारे साथ ही काम करके ससुर हमारे पीठ पे खंजर भोंका है, इसलिए उसका नाम बताओ, छोड़ेंगे नहीं उसका। 2 दिन में खुद ही जान जाओगे, उसे पुलिस ऑफिसर अनाउंस करने वाले। नहीं तू ऐसा नहीं करेगा, हम नहीं चाहते कि वो पुलिस की वर्दी में मरे, हमको वो धोखा दिया, उसकी मौत पर हमारी मोहर होनी चाहिए। वो सिर्फ एक क्रिमिनल की मौत मरेगा और वो एक देशद्रोही कहलाएगा। चलो 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 जल्दी, संभल के गिरना नहीं। ओके गाइस, हम आज बहुत खुश हैं क्योंकि आज हम तुम्हें एक सरप्राइज देने वाले हैं। निहारिका, गो! पुलिस ऑफिसर है, we'll be right back.
सूर्या एक गैंगस्टर था, उसका आर्म्स और ड्रग्स माफिया से कनेक्शन था, ये का हमारे पास सबूत है। और एक खास बात, वो का आतंकवादियों के साथ भी संबंध था, इसका भी खुलासा हुआ है। और इतना ही नहीं, कई मर्डर केसेस में भी वो का नाम जुड़ा हुआ है। इसके अलावा पुलिस दूसरे मामलों में भी छानबीन कर रही है, जैसे ही पुलिस को कुछ और मालूम पड़ेगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि प्रेस ये मामले को ज्यादा ना उछाले। थैंक यू। महीने तुम कोमा में थी, तुमने पूरे परिवार को खत्म कर दिया और टेररिस्ट करार कर दिया, और तुमने भैया को गैंगस्टर कहा। ये सब किसने किया कुछ पता नहीं चला। हम देखे तुम्हारी सांसें चल रही थी, अगर उन्हें पता चलता कि तुम जिंदा हो तो वो तुम्हें मार देते, और इसी डर से हम किसी को बिना बताए तुम्हारा इलाज कर डाले। ये तुम्हारा दूसरा जन्म है निहारिका, इसलिए तुम्हारे सारे पुराने रिकॉर्ड्स हम मिटा दिए हैं। तुम बच तो गई हो लेकिन तुम्हारी हेल्थ कंडीशन अब भी बहुत खराब है। क्या हुआ है? एक डॉक्टर के नाते नहीं बताना चाहिए, पर तुम हमारी दोस्त हो इसलिए बता रहे हैं। हम कितना जिंदा रहेंगे? कुछ कह नहीं सकते, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, पर शायद ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सामने बन रहता है।
नहीं करता अपनी जान दे दे। हमें भी सबके साथ ऊपर क्यों नहीं बुला लिया तुमने? हर चीज की एक वजह होती है, पर हमें जिंदा रखने की क्या वजह है? कुछ तो जरूर होगा, वरना आप हमें जिंदा काहे रखते? अकेले हम ही दुनिया में क्या करेंगे? बस आप ही का सहारा है। आप ही बताइए हम क्या करें? आप ही ने हमारी जिंदगी को अंधेरे से भर दिया, अब आप ही हमें रोशनी की किरण दिखाइए। कोई रास्ता दिखाइए भगवान, कौन मसीहा भेजिए। अपने को यहाँ से अभी निकलना होगा, उनकी पूरी गैंग यहीं आ रही है। अरे मेरी बात तो सुन। यहाँ से चलते हैं यार, उसको बाद में देख लेंगे। सामने ही तो है, बाद में का देखना। ये तू क्या बोल रहा है यार, मुझे तो वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। ये भीड़ से तुम्हारा ध्यान भटक गया है, पर हमको हमारा शिकार बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। जब शेर शिकार करने निकलता है तो उसका शिकार के अलावा कुछ नजर नहीं आता। भारी है वो सत्य के खातिर जो है लड़ा, धर्म के खातिर जो है लड़ा, वो है योद्धा सबसे बड़ा। लाखों पे भारी है वो सत्य के खातिर जो है लड़ा। दे उठा हथियार कर दुश्मन पे वार, आज बजे ना बैरी तेरे मजा दे तू संहार। दे उठा हथियार कर दुश्मन पे वार, आज बजे ना बैरी तेरे मजा दे तू संहार। ले उठा हथियार कर दुश्मन पे वार, आज बजे ना बैरी तेरे मजा दे तू संहार। हमरा एक काम करोगे? पैसा कितना देगी? एक करोड़ है। का? एक करोड़ रुपए? किसे, कब, कहाँ? कितना मारना है बताओ, ससुरे की हड्डी पसली एक कर देंगे। सिर्फ मारना नहीं, जान से मारना है।
पैसे के साथ बैग भी ले जा, मरवाएगी। अरे रुको, हमरी सुनो तो। देखो प्लीज, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। पागल हो गई हो क्या? सुबह से हम ही मिले थे, कौन बोला हम मर्डर करते हैं? हम ये सब नहीं करते हैं। एक मिनट, बात तो सुनो। हम तुम्हें और पैसा देंगे और हमारा फ्लैट भी तुम्हारे नाम कर देंगे। सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? चल हट। प्लीज 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 हमारी बात सुनो। रहना चाहो प्लीज सुनो, रुक जाओ। हम पैर पड़ते हैं, मदद करो। अगर तुमने हमें मदद देगी तो हम अपनी जान दे देंगे। प्लीज मान जाओ, मैं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ, जब तक तुम हम नहीं कहते हम तुम्हारे पैर नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ, प्लीज हमें मदद करो। हमारे पास जो कुछ है सब दे देंगे तुम्हें, चाहो तो हमें इज्जत भी ले लो। तुम जो बोलोगे हम वो करेंगे। छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। हमारे भैया बहुत अच्छे इंसान थे, मारने वाले कौन थे नहीं जानते, काहे मारा ये भी नहीं। हमें सिर्फ ये पता है कि हमें बदला लेना है, लेकिन डरते हैं कि बदला लेने से पहले हम ये सब भूल ना जाएं। ये ऑपरेशन बहुत मुश्किल है, बेटर लीव इट एज इट इज और एल्स ये मर जाएगी। हमने सर में एक बुलेट है, उसे निकाला तो मर जाएंगे, और अगर नहीं निकाला तो हमारी याददाश्त खो सकती है, ऐसा डॉक्टर ने हमें बताया। तुम्हें इसलिए ये सब बता रहे हैं ताकि अगर हम भूल भी गए तो हमारा बदला तुम ले सको। तुम भले ही भूल जाओ, आज से तुम्हारा हर दुश्मन हमारा दुश्मन है। एक एक को ढूंढ के तड़पा तड़पा के मारना। हमारे परिवार के एक एक हत्यारे का इस दुनिया से नामो निशान मिटा देना। हमसे वादा करो, हमसे वादा करो। तुम अगर ये बात भूल भी गई तो भी हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे। ये टोनी का तुमसे वादा है। वो के साथ हुई नाइंसाफी जानकर हमें हमारे पिताजी की नसीहत याद आ गई। निहारिका को इंसाफ दिलाना हमने हमारी जिंदगी का मकसद बना लिया। वो के दुश्मनों का नाम तक जाने बिना हम वादा किए थे, और वादा करने के बाद हमें उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। वो एक आदमी को पहचानी और हमारा खेल शुरू हो गया। वो अपनी याददाश्त खो बैठी, लेकिन हमका सब याद रहा। कहे कि हम वादा किए थे कि हम उसका बदला पूरा करेंगे। अज्जू भाई का आदमी हाथ आते ही हमका सबका पता चल गया। कुछ दिनों बाद इरफान की तलाश में हम कश्मीर पहुंचे, जहां एक बार फिर निहारिका से हमारी मुलाकात हुई, जिसके लिए दिल में हमदर्दी थी, उससे प्यार हो गया। वहां से वो चली गई और हम उका ढूंढते हुए तुम्हारे घर पहुंचे। याददाश्त खोने पर भी उका खुश देखकर सुकून मिला, पर फिर हम देखे कि वो अपने परिवार के गुनहगारों में से एक से प्यार कर बैठी है। तभी हम उके दिल से राकेश का प्यार मिटाए, और उके बाद राकेश को भी। अच्छा, इसीलिए जब हम उससे मिले थे तब उसको खुद के बारे में कुछ याद ही नहीं था। फिर हम जब उसका पासपोर्ट देखे तब हमको पता चला कि उसका नाम है निहारिका। हमें लगा कि उसकी इस हालत की वजह कोई मामूली बात होगी, लेकिन इतनी भयंकर कहानी होगी ये हमने नहीं सोचा था। पर तुमने उसे ये बात काहे नहीं बताई? बताना होता तो कश्मीर में ही बता चुका होता, तब वो हमारे खातिर बस एक अनजान लड़की थी। लेकिन आज हम उसे प्यार करते हैं, अब हम उसके चेहरे पर दुख नहीं देख सकते। हमने उसे अपने परिवार की याद में तड़प तड़प कर रोते देखा है। उका फिर वही मंजर याद दिलाकर दोबारा उसकी खुशियां कैसे छीने, कैसे उका वो नर्क में झोंक दे। केहू और के लिए याददाश्त खोना श्राप हो सकता है, पर निहारिका के लिए वो एक वरदान है। अगर तुम चाहती हो कि वो जिंदगी भर खुश रहे तो उका ये बात का पता नहीं लगना चाहिए। तुम उका कुछ मत बताना। कभी नहीं बताएंगे, वो तो सब कुछ भूल चुकी है। लेकिन तुम उसके दुश्मनों से बदला ले रहे हो, तुम तो एक हीरो हो।
तुम्हारे जैसा जीवन साथी निहारिका को कभी नहीं मिल सकता। उसे हमेशा खुश रखना। अरे बेटा, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। कुछ ही समय पहले एक आदमी की हत्या का प्रयास किया गया था। निहारिका बिटिया उसे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गई है। अगर वो बच गया तो निहारिका की जान को खतरा है। निहारिका के मिलते ही तुमका कहीं ले जाओ। कौन? हेलो। और उसी वक्त हम इन्हें हॉस्पिटल ले आए। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम जिसको बचाई हो एक पुलिस ऑफिसर है। हेलो, उन पर किसी भी वक्त दोबारा हमला हो सकता है। ये सब बातें बाद में होती रहेंगी। उनको जल्दी से किसी सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करो। ठीक है। यस, सुनो, वो ऑफिसर का बचना जरूरी है। वो हमको खूनी तक पहुंचाएगा। इंसान को जीने का कौन हक नहीं है निहारिका, हट जाओ। तुम्हें उसे मारने का हक नहीं है। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे टोनी, जाने दो उसे। तुम नहीं जानती निहारिका, हम किसी से किया वादा निभा रहे हैं। हट जाओ। और हमारे प्यार का काम? हमारा वादा हम मरते दम तक निभाएंगे, और हम दोनों का प्यार भी। अगर तुम उस आदमी को मारे तो फिर हमारा प्यार भी खत्म समझो। तुम्हारे लिए प्यार जरूरी है या फिर तुम्हारा वादा? वादा निभाएंगे। निहारिका,
भाई अंदर कौन नहीं है? भाई गाड़ी ओवरलोड हो गई है। वो मैंने 20 आलू के पराठे खाए हैं। भाई ये क्या कर रहा? इस पुलिस ऑफिसर को तो उहा मारा था, ये यहाँ आगे कैसे गिरा? अरे सरकारी का हो गया, ये पनौती तो हमारे पीछे ही पड़ गया। कोई देखेगा तो सोचेगा हमने इसको टपकाया है। अब क्या करे सरकार? एक तो आइडिया है भाई, एक्सीडेंट हो गया बोल के हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं, हम पे कोई शक भी नहीं करेगा। आइडिया अच्छा है। अरे सर के बाल छोटे हैं लेकिन अकल बहुत बड़ी है, अगला डॉग तू ही बनेगा। चलो कट्टू हॉस्पिटल। एकदम सही टाइम पे लाए, ऊपर निकल। अरे नहीं नीचे ही है, ऑपरेशन करना होगा जल्दी से, 5 लाख जमा करो, जल्दी जाओ। सॉरी, ऑपरेशन के पहले 5, ऑपरेशन के बाद में 5, कुल मिला के 10, जाओ भर दो। अगर ई जिंदा हो गया तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, ये आइडिया किसका था? जल्दी से अपना एड्रेस और फोन नंबर लिखा दीजिए। यहाँ से ऐसे निकलना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, अगर हम अज्जू भाई की गैंग में शामिल हो गए तो फिर हम सब इससे भी बड़का डॉन बन जाएंगे। तो कट्टू अज्जू भाई, भाई वो कौन है पता चल गया है, इसका नाम टोनी है और इसी को ढूंढने स्पेशल ऑफिसर मंदिर गया था। ये मुंबई का सड़क छाप टपोरी है। भाई हमने भी इसके मुंबई में बहुत बड़े बड़े कांड सुने। इसकी एक प्रेमिका भी है। प्रेमिका? उसे पकड़ते हैं। ठीक है भाई, वो खुद ही आ जाएगा। हेलो हेलो हेलो, टोनी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था चित्र। निहारिका कहाँ हो तुम? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। सही इंसान नहीं है वो। हमने सामने उसने कितने लोगों को मार डाला। निहारिका उसने ऐसा क्यों किया? ओफो निहारिका, तुम्हें सिर्फ आधी स्टोरी पता है। वो क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। बस तुम जल्दी घर आ जाओ, हमारी जान को खतरा है। पता है हम बीच में आए तो हमें मारने को तैयार था, शायद वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। नहीं जानती तुम क्या बोल रही हो। जब तक हम घर नहीं आते दरवाजा मत खोलना। टोनी की गर्लफ्रेंड तुम ही हो? जवाब दे, टोनी की गर्लफ्रेंड तुम ही हो? बोलती काहे नहीं? कहाँ है वो, बोलना। हमें नहीं, नहीं बताया तो गोली मार देंगे। मतलब उसकी गर्लफ्रेंड ही है, तू ही का काहे बचा रही है? बता यहाँ हो क्या रहा है, वो हमरे आदमी को काहे मार रहा है, ये लड़की हमरी मदद काहे कर रही है? What the hell is happening? खत्म करो उसको जाकर। कुछ नहीं जानती, इसीलिए वो आपकी मदद कर रही है। मतलब तू सब जानती है? जानते हैं, ये भी जानते हैं कि तू उसके हाथों से मरने वाला है। बता हमको वो कहाँ मिलेगा। नहीं बताएंगे। तो फिर तोहरे मरने के बाद वो लड़की बताएगी। किसने मारा इसे? बताओ हमें, चित्रा, 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 चित्रा। सॉरी, ये तुम्हारी दोस्ती हमको पता नहीं था। हमको पता चला कि इसके पास टोनी के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमारे पहुंचे से पहले ही वो इसको मार गया। वो मुंबई का एक गुंडा है, पैसों की खातिर किसी को भी मारने वाला एक प्रोफेशनल किलर है। वहाँ से फरार होके यहाँ आया है, ना जाने कितने बेकसूरों की जान ले चुका है, उसका तो एनकाउंटर करेंगे हम। अब वो और कितने बेकसूरों को मारेगा सोच के डर लगता है। अब उसको सिर्फ तुम ही पकड़वा सकती हो। यस। बस हमका ई पता चल जाए आखिर वो है कहाँ पर। उसे मार डालिए सर, हम जानते हैं वो कहाँ है, उसे नहीं छोड़ना, मार डालिए उसे। Oh,
कैसे लग गया? वाट हमारी लगेगी अगर इस जबान पर लगाम नहीं लगाया तो। अजू भाई आ गए। दुनिया हमको ढूंढ रही और हम तुमको ढूंढते हुए यहाँ आ गए। जानता है का है? तू कौनो 30 मार खा है इसके लिए नहीं। तुझ जैसे चिरकुट ने अज्जू भाई से पंगा लिया है, एकर मतलब है कि इसके पीछे जरूर कोई बड़ी ताकत है। बता किसके लिए काम करता है? हमारे बारे में ही पूछ रहा है तो अब कहो हमरा भांडा फोड़ देगा। कौन है वो? नहीं जानते। नहीं जानता है सुनना हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, समझ गया ना? चल बोल। I don't know. तो बढ़िया बोल रहे, चल बोल। अब तो ए भी मरेगा और साथ में हम भी सरकार। मर जाएंगे लेकिन बताएंगे ना। हमको तुझसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ उस आदमी का नाम बता दे हमको। जब तो का मारने वाली गोली यहाँ बैठी है तो तू गन चलाने वाले के पीछे काहे पड़ा है यार? हमसे दुश्मनी करके जीने वाला तू पहला आदमी है। हमरा शिकार बन के इतने दिन जीने वाला तू भी पहला ही आदमी है। हमको दुबई में मारता नहीं, यहाँ क्यों बुलाया? वीजा प्रॉब्लम भाई, कितना ट्राई किए पर हम शरीफ आदमी थोड़े हैं कि वीजा मिल जाए, लेकिन मारना तो था ही, इसीलिए आपको बुला लिए। जिद्दी है तू। अच्छा ये बता, हमको टपकाने के लिए कितने पैसे मिले? 1 करोड़। पगार में 1 रुपया नहीं देते, उसे 1 करोड़ दे दिया। हमका तो 1 करोड़ सुनकर ही हार्ट अटैक आ रहा। अज्जू भाई को टपकाने खातिर सिर्फ 1 करोड़? हम तो फ्री में मार देते पर आने जाने में खर्चा लगता है, इसीलिए ले। अभी इसी वक्त 100 करोड़ देंगे, बता कौन है वो? बोल कौन है? 100 करोड़? हाँ 100 करोड़। कौन बनेगा अरबपति चल रहा है। सॉरी भाई, हम वादा किए हैं उसका तोड़ नहीं सकते, आपको मरना ही पड़ेगा। ओफो, पागल है ससुरा, 100 करोड़ दे रहे फिर भी मारने की बात कर रहा है? इसकी वफादारी से हमारा दिल भराया। चलिए, मौत तो नहीं कमजोरी, नहीं तो फिर और कौन है? माँ बाप गर्लफ्रेंड? लव, प्यार का नाम लेते हैं इलगवा। प्यार में बहुत ताकत होती राजा, अब फंस गया। ए, लेकर आओ उसे। ए, कान खोल के सुन लो, यहाँ से कौनो बाहर नहीं जाएगा। अज्जू सुन ले, तुम सबका दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता होगा पर हमरा 42 बार धड़कता है। 42 बार ही धड़कने दो ही का, अगर किसी ने यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की तो हमारे दिल का मीटर 70 तक पहुँच जाएगा और फिर हम तुम सबका मीटर डाउन कर देंगे। ए, तुम लोग जाओ, कौनो नहीं बचेगा, सोच लो। ये अपनी उंगली भी नहीं हिला सकता, तुम मारेगा कैसे रे? खोलता हुआ खून, फड़कती हुई नसें, सुलगता हुआ जिगर, फौलादी बदन, कभी पीछे न हटने वाले कदम, खाक में मिलाने वाला दम और बात पर अटल रहने वाली कसम, यही हमरे हथियार हैं और जो भी इनके सामने आएगा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तुमने दोबारा हमरे प्यार को छूने की बात सोची भी ना तो यहाँ सैलाब ला देंगे। उस सैलाब को हम भी देखना चाहेंगे, तुमरे प्यार के पास हम खुद जाएंगे। उका यहाँ लाकर तोरे सामने ही मारेंगे, दम है तो रोक ले। मुंबई में तेरे बारे में बिल्कुल ठीक ही सुने थे, आदमी एक और इतने सारे कलर, हर आदमी तेरे बारे में अलग ही स्टोरी बताता है। अभी कोई नया कलर है, तू वाकई किसी गिरगिट से कम नहीं। तूने अभी हमरे सारे रंग देखे ही कहाँ है? अबे
जिसके पास जाने से रोक रहा था वो खुदा चलकर यहाँ आ गई। दरअसल तोहरा बताई यही हमको बताई, वो को छूने वाले को जान से मारने वाला था ना तू? अगर हम कहें कि वह तुम्हारी जान लेने के लिए कही थी तो क्या करेगा तू? अब हम उहय के हाथों तुमको मरवाएंगे। अब तो बता दे हमको मारने की सुपारी तुमको कौन दिया? ये सभी काहे और किसके लिए कर रहा है ये अभी तक नहीं बताया, इसको तुम अपने हाथों से मार दो। मारना है तो मार दे तू, बस इतना बता दे कि तुमको सुपारी कौन दिया? जिसने अभी तुझे मारने के लिए कहा ना, उसी लड़की ने। आदमी नहीं था, उसकी काली करतूतें पेपर में छपी हैं, ये देखो। ये आदमी उसी के साथ काम करता था, बेचारे की पूरी फैमिली को मार डाला। इसके मरने के बाद लोगों को पता चला कि एक पुलिस ऑफिसर था। अगर इसका कोई अपना हाथ जिंदा होता तो वो कितना खुश होता ना। उनके अपनों का तो पता नहीं, पर तुम खुश हो के नहीं? हम बहुत खुश हैं।